Are you ready? रास्ता जो सबके साथ चलेगा, गेम शो ऐसे चलेगा, गेम शो ऐसे चलेगा, गेम शो ऐसे चलेगा, गेम शो ऐसे चलेगा, एक नया अंदाज मिलेगा। खुशियों का एक राज खुलेगा, गेम शो ऐसे चलेगा, बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं आप लोग। हमारी लीग का सेकंड राउंड शुरू हो चुका है, जिसका नाम हमने रखा है बदला। यहाँ चल रहा है सारे रीमैचेस, जिसने जिससे बदला लेना है। हमारा ये फाइट क्लब खुला है, आए और आके ले ले। तो लड़ाई झगड़े से याद आया, विहा कैसी हो? बिल्कुल ठीक, ठीक ठाक हो? आमिर कैसे हो? फिलहाल यार, एक तो आमिर मेरे ध्यान में ऐसा बैठ गया, जब भी अभिहा कुछ बोलती है लगता है कि आमिर बैठा होगा सामने। नहीं, बिलाल, बिलाल कैसे हो भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज तो दो दुश्मनों का गेम है, देखते हैं कौन जीतता है। इसी बात पे तो आज मुझे बहुत कुछ कहना है। नहीं, एक मिनट बोल दीजिए भाई। आज मेरे जैसे बाल क्यों नहीं बनाए? दानिश भाई, सीरियसली बात करूं तो हर दफा कॉपी अच्छी नहीं लगती। वैसे करते हो तुम? नहीं, वो फर्स्ट टाइम ही किया था। अच्छा, फर्स्ट टाइम किया था वो जी। आज किसकी कॉपी है ये? आज किसी की कॉपी नहीं, आज हमारे सलमान भाई बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं, उन्होंने किया है जी। उनको ये वाले बाल आप पे अच्छे लगे जी। चलो, अभी आप कुछ कहना चाहती हो, कोई ऐसी बात? मैं आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि मैं चैंपियंस की फाइनलिस्ट हूँ, मैं निकली नहीं हूँ शो से। बहुत कुछ है जो आप लोग को फाइनल में नजर आएगा। और दूसरी बात मैं ये कहती चलूँ जरा कि बिलाल ने 2 से 3 दिन पहले ये बात बोली है शो में कि अभिहा बहुत झूठ बोलती हूँ। तो भाई देखें बिलाल, झूठ बोलने के लिए ना मैं अपने लेवल वालों के लिए झूठ बोलती हूँ और आप मेरे लेवल पे आते हैं। और दूसरी बात ये है कि मेरे पास ना एविडेंस है कि आपने तूबा से इजहार शादी किया था। भाई आपके भाई को तो एक लड़की आ गई है पसंद, देखो, देखो। और वो तो मेरे दिल को ऐसे जाके लगी है कि मैं तो करूंगा उससे शादी। तो भाई मर्द वो होता है, मर्द वो होता है जो अपने अल्फाजों पे खड़ा रह सके। बी आ मैन, आखिर कब तक औरतों वाली खसियतें करोगे? कब तक मोहल्ले वाली आंटी बनते रहोगे? अच्छा, एक मिनट, इसने बकायदा प्रपोज किया था कि मैंने शादी कर रही है। अरे बात को छोड़ो, अभी जो दिन मैंने आपको एलिमिनेट किया था उसकी आधी रात आप रेड कलर की लिपस्टिक लगा के मुझे आधी रात को मारने के लिए नहीं आई थी, और आपने बहुत कुछ झूठ लगा के मेरे पूरे चेहरे पे मसला था। इतनी बड़ी शर्मिंदगी मैंने से आप कितना एक एक करके। हाँ, अब आप बताइए क्या कर रही हैं? आप जरा इंतजार कीजिए, फाइनल बहुत करीब है, बहुत कुछ लोग देखने वाले हैं ऑन स्क्रीन। जी, मैं भी देखने जा रहा हूं। आप क्या कर सकते हैं फाइनल में? मैं बिलाल की तरफ से हूँ। आपके पास एविडेंस है ना? कंधों पे बंदूक एविडेंस है आपके पास? कोर्स मेरे पास है। आप अभी मेरे पास मोबाइल नहीं, मोबाइल पीछे एक्चुअली। आप मेरी टीम को दिखा दूँ? क्या बोल रही हो? हाँ, मैं टीवी पे दिखा दूंगा आपको, टीम के दिखा। टीवी पे दिखाने की कह रही है वो? क्या कह रही है? मेरे पास एविडेंस है, मुझे तो पसंद आई है एक लड़की। अरे भाई, मुझे तो पसंद आई है एक लड़की और उसके ऊपर मेरा आ गया है दिल और मैं करने वाला हूँ उससे शादी। ओहो, मैंने कहा उसका नाम है। अच्छा, इसलिए ये कह रहा है कि वो मैंने शो जीतने के लिए बोला।
शो जीतने तो शो जीतने के लिए हाईलाइट और एक और बात और एक और और ज्यादा हाईलाइट होने के लिए अच्छा एक बात बता एक और बात अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट आप दानिश भाई इनसे पूछे कि इन्होंने अपने सैंडल में थूक लगा के मेरे चेहरे पे यूं मसला था कि नहीं दिया अंधेरा अच्छा एक बात तो बताओ तुम्हारी आंखों में तो पिसी हुई लाल मिर्ची डली हुई थी तो फिर कैसे तुमने देख लिया अरे झूठ झूठ कब बोले बिलाल भाई खुदा को माने कम से कम अब तो सच बोलते मर्दों वाली हरकतें करके दिखाओ तुमने मुझे क्या मोहल्ले वाले अच्छा बस सही है बस भाई बस बस इतनी बड़ी झूठ भी इनमें से कौन सच्चा है बस बस अरे बस बैठो झूठी हो तुम झूठी हो आप तुम हो झूठी राबेल यहाँ पे मौजूद नहीं है तो आप कह रहे हैं राबेल बाजी शो में आप आराम से लड़ने में आ रहा हूँ शो में आपके उसके उसके एक मिनट एक मिनट मैंने राबेल के खिलाफ कोई बात नहीं मैं ये कह रही हूँ शो में राबेल के पीछे 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 धूम की तरह आप नाचते थे वो दोस्त क्या बोले वो दोस्त है मेरी अभी भी उसके खिलाफ अरे राबेल किस किस की दोस्त है एक बार अपनी सीट पे जाके बैठ जाए और झूठ मत बोले बस 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 आज जीत के दिखाओ आज जीत के दिखाओ ये बात हो गई बस 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 जगह पे जगह पे जगह पे जगह पे अपने आप को बता दिया कॉन्फिडेंस की असल बात आप बोली है बिलाल ने बस 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 खामोश अभी बिलाल बैठ जाओ लंबी बातें ना करो अच्छा बैठ जाओ बस अभी हाँ दैट्स इट अच्छा हाँ इब्राहिम डर गया बेचारा तुम लोगों की बातों से यार अब जो बात की है बिलाल ने उस बात के ऊपर आते हैं बिलाल ने कहा इतनी हिम्मत है इतनी तुम्हारे अंदर तप्पड़ है ना तो जीत के दिखाओ आज का गेम पिछली दफा भी रोना शुरू कर दिया अगर तुम हार गई ना आज के लिए मैं वो तुम खेलोगी सोच लो फिर तुम सारे मुश्किल गेम खेलोगी और अगर तुम आज हार गए खेलोगी चक्कर में चक्कर तुम खेलना आज किसके चक्कर में चक्कर तुम खेलो आज मुझे टक्कर दो फिर उससे कभी मुकाबला थोड़ी तुमसे दूसरे गेम्स खेलो टक्कर पे टक्कर नहीं नहीं टक्कर पे टक्कर के लिए वो चीता बैठे अभी आपको भूखे मारने के अलावा आता है क्या चलो एक मिनट चलो आप खेलो आप दे रहे हो बहुत स्ट्रांग है चले भाई अब स्टार्ट करेंगे आज का मैच बहुत गर्मा गर्मी है ये जब भी चैंपियंस के बच्चे आते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं इसी नोट के ऊपर मैं बुलाऊंगा पेशावर रॉक्स की कैप्टन लैला जी आइए अस्सलाम वालेकुम जगह चेंज होती रहती है क्या हाल चाल कैसी है आप कैसी है ये बताइए लाला जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक वेरी कल घर जाके आप रोई तो नहीं मैं तो अपसेट तो नहीं थी बहुत ज्यादा एक सेकंड आपने कल मेरी खुशी नहीं देखी थी हारने पे भी और मैंने पहले कह दिया था जो मतीरा ने कल कर दिया ना जी वो पूरी लीग में किसी ने नहीं किया शायद आगे भी कोई ना कर पाए इस लीग में क्या कभी भी किसी भी लीग में कोई भी इतना बड़ा दिल नहीं रखे क्या बात है जी क्या बात तो मुझे उस बात की इतनी खुशी थी और मुझे ये भी पता था कि एंड में आके मेरी लक नहीं चलती हाँ ये कुछ अजीब सी बात है आप लोग जीत के इतने करीब आ गए थे और उसके बाद लेकिन एक बात ये है कि लोग इस शो को इतना पसंद कर रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं ठीक है इन बच्चों को मौका मिल रहा है स्पेशली ये शो इनके लिए जी हाँ जी हाँ इनको मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का लाइक इस तरह की बहुत से ऐसे प्लस पॉइंट है जिस वजह से आके जो मेरी हार होती है ना मैं बाद में खुश हो जाती हूं चलिए इसी नोट के ऊपर मैं बुलाऊंगा इस्लामाबाद ईगल्स की कैप्टन मारियो बासी आइए हेलो अस्सलाम वालेकुम आइए वेलकम आज पूरी टीम है जैसे बाल बना कर आई है क्या बात है कितनी कोऑर्डिनेशन लग रही है इस टीम के अंदर जेलस हो गई थी आपके आने से पहले कैसा हेयर स्टाइल दानिश जैसा हेयर स्टाइल मैंने कहा यार आज मारिया जी जैसा मैं तुम्हारी कैप्टन हूं मेरा भी ख्याल करो लेकिन मारिया जी आपके आने से पहले यहां पर झगड़ा होते होते रुक गया अच्छा तो होने देना था ना रोका क्यों अब अभिया को इन्होंने चैलेंज दिया है आज मैं तुम्हें हरा के दिखाऊंगा तो अब मैं देखना चाहता हूँ ये जितनी बातें करता है उतना काम भी करता है या नहीं अच्छा तुम कौन से जीते हुए उतनी सारी इसने दिल तुम्हारी कैप्टन बहुत अच्छी है इसलिए इसने दिल जीते हुए वो भी मारिया मैम और शाहताज की वजह से वरना आप तो यहाँ पे लेट के मुजरा कर रहे होते स्कोर दे दो यार ओनियर ओनियर ऐसे वर्ड ना बोले फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन ये डांस की फॉर्म है पहले जाके पढ़ें उसके बाद मुझसे बहस करें कौन सी ओके बस आप कहिए मैं प्रूफ कर दूंगा आपको गेम के दौरान
आपके अगर आपने इतनी हिम्मत है तो मैच हरा के दिखा दीजिएगा। मेरा डांस इतना फेमस हुआ कि लोगों ने इतनी ज्यादा वीडियो मुझे हो जाए फिर तो जल्दी से आओ भाई म्यूजिक के साथ फिलहाल का डांस जल्दी आओ तुम कॉपी करके दिखा दो इसका डांस आओ जल्दी आओ करके दिखा दो कर सकता भाई कोई ये कौन सा डांस है ट्रेंड सेटर है ये में कहां किया जाता है ये वाला डांस ये मुझे नहीं नहीं हमें एक जैसा ही लगता है ऐसा लगता है तुम्हें किसी ने स्विमिंग पूल में छोड़ दिया और मैंने ये वाला जो स्टेप किया ये वाला नहीं किया उसने देखो ये नहीं देखिए आप Q2 के डांस की तारीफ अच्छी बात है Q2 के डांस की तारीफ तो मैं भी करता हूं ओहो कैप्टन से कुछ सीखो अबिया नहीं 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 क्यों टू भी करना चाहिए आई रियली लाइक यू तक में फेमस हो गया हमारा और मेरे घर में ना सब तुम्हारे फैन है मैं खुद तुम्हारी फैन हूं आप बोलो आप बोले अभी हां जी ये तो आपकी कैप्टन ही बोल रही है देखो कोई भी आता तब भी वो बोले ना हां भी बात वापस कर आए कोई बात नहीं चलिए भाई सोशल डिस्टेंस ख्याल रखिएगा शुरू करते हैं आज का पहला गेम लेके आइए देखते हैं आज का मैच कौन जीतता है और दो पॉइंट्स घर लेके जाता है आइए जल्दी से पहला गेम ही है गोल गोल चक्कर पे चक्कर तो कौन आएगा यहाँ से और यहाँ से किसने तैयारी पकड़ ली है लो भाई जल्दी से कॉइन चाहिए मुझे टॉस 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 मारिया जी पहले आपकी कॉल है बताइए हेड या टेल्स हेड्स टेल्स जीत गई है मारिया जी आपकी टीम से कौन आएगा मारिया जी आपकी तरफ से प्लीज हाँ ये लोग टॉस जीत गए जी आपकी टीम से कौन आएगा बताइए कौन आएगा तुम्हारा प्रेशर इतना ज्यादा हो गया इब्राहिम आएंगे गुड लक बेटा बताइए आप आओगे वही एक मिनट है भाई ने कल चार स्कोर भी किया है और चार राउंड भी ले लिए थे आज मैं देखना चाहूंगा तुमने जो अभिया के सामने बड़ी बड़ी बातें की है ना अभिया से क्या चैलेंज अभिया तुम खेलोगे इसके अगेंस्ट नहीं ना नहीं खेलेगी वो तुम्हारे अगेंस्ट और दूसरे बहुत सारे गेम थे जहां तुम लोग आमने सामने आओगे फिलहाल यहां पर आया इब्राहिम पिशावर के लिए एक पॉइंट जीतने रेडी रेडी गो एक दो तीन और ये चार चलो 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 पूरे पांच ये दुनिया झूम रही है ये दुनिया झूम रही है अंबर नाशा है घटी झूम रही है और ये चार चलो दुनिया झूम रही है अंबर नाशा है घटी झूम रही है गोल 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 और ये चार चलो 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 वे सब तो सोने आए वे मन मोने वे सब तो सोने आए वे मन मोने चलो 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 मैं तेरा हो गया प्यार बिच खो गया वे सब तो सोने आए वे मन मोने चार टाइम अप वेरी वेल डन वेरी वेल डन वेरी वेल डन इब्राहिम ने इतना स्कोर कर लिया चार अभिया इब्राहिम ने इतना स्कोर कर दिया कि उसने अभी तक कोई स्कोर नहीं किया बड़े बड़े चक्कर आ गए उसे अरे नहीं ऐसे 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 नहीं बोलना दानिश सिर्फ तुम्हें देख देख के चक्कर आ रहे हैं अभिया आज आपको क्या बोला कि जीत के दिखाओ ऐसे नहीं बोला आज का मैच तुम लोग जीत के दिखाओ ये बोला है नहीं देखो कुछ भी हो सकता है कुछ भी मैं यही समझाना चाह रहा हूँ तू इतना हल्का नहीं ले मेरा फेवरेट अभिया को भी इतना हल्का नहीं ले अभिया अभी पूरी चैंपियन है भाई आओ भाई कौन आएगा आओ ना उसको वो आने के चक्कर में ही नहीं है ये है चैंपियन हाँ भाई कौन आएगा मारिया जी टाइम जा रहा है बिलाल भाई ये तो तुम्हें चाहिए था बेचारी शाताज क्यों बेचारी क्यों लड़कियां बेचारी होती हैं अभिया ने मना किया था कि मैं नहीं खेलूंगी आगे बिलाल वैसे बिलाल क्या केस हुई है ना ठहरो जीतो या हारो ये करना तुझे ही चाहिए क्यों भाई अरे लोग देख रहे हैं अरे मैं यहाँ पे क्या चाय के कप पीने आई हूँ पापड़ खाने आई हूँ गोलगप्पे खाने आई हूँ मेरी बात सुने तुझे पता है कल मेरा बंदर निकला बंदर तुम्हारा बंदर ही निकल आया मुबारक हो बंदर का पता नहीं क्या निकला उस दिन गोलगप्पे निकले उस दिन गोलगप्पे नहीं मिले ना नहीं मिले कल बंदर निकले चलिए चलिए कौन आएगा शाताज आप हो गए बिलाल भाई जल्दी से जल्दी से गाइस टाइम खत्म हो रहा है कौन आएगा कौन आएगा आना चाहिए पब्लिक देख रही है मैं देखता हूं कौन आएगा आना चाहिए
चार स्कोर और चार चक्कर, यानी कि तुम्हें पांच स्कोर करना पड़ेगा। मैं आज देखना चाहता हूँ कि दुनिया में ये अजूबा हो सकता है या नहीं। पांच स्कोर कोई कर सकता है दुनिया में या नहीं? सही है, एक एक तरह से हो सकता है। अगर तुम सर जो है वो बेसबॉल बैट के ऊपर रखो, घूम जाओ लट्टू की तरह, तब हो सकता है ये। रेडियो रेडी गो। ये दुनिया झूम रही है, अंबर नाचा है, हटी घूम रही है, ये दुनिया झूम रही है, अंबर नाचा है, हटी घूम रही है, गोल 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 सब तो सोने आए वे मन मोने वे सब तो सोने। टाइम अप हो गया। वेरी गुड ट्राई, वेरी गुड ट्राई। पकड़ो। अरे क्या हो गया बिलाल? अरे कोई बिलाल को देखो, बिलाल ने तीन यार अब ये देखो, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। ये हो गया सोशल डिस्टेंस, एक आज तो लेंगे हम पॉइंट, नंबर कितने ले लिए मुझे यहां से। और इस सेकंड टाइम यार गिरा यार ऐसी कोई बात नहीं, मैंने उसको हाथ लगा ली, आप कैसे लगा रहे हो यार? अरे मैं भूल गई थी मारिया आज आप पे, आज नहीं पहले मैंने सोच लिया था। नो नो, उन्होंने सही बोला, बिल्कुल सही बोला। अभी नहीं, आई विल पॉइंट अब कटेगा ही कटेगा। यार वो गिरा है, क्या हो गया? देखिए वो उठाने के लिए हमारे पास आइडियाज हैं। मैं समझता हूँ आपकी बात, लेकिन सबसे पहले आपको बताया सोशल डिस्टेंस रखना है, ये हम नहीं कह रहे, ये गवर्नमेंट कह रही है हमें। याद है क्या हुआ था आपको? याद है, आपको याद है बिलाल मुझे यहाँ से यूं कितनी देर? वो भी गलत था, मैंने उनको भी डांटा था कल। लेकिन आपको वार्निंग मेरी, मैं आपसे अगर अब हुआ तो मैं आपको दो पॉइंट दूंगा। आइए, इट हैज हैपेंड फॉर द सेकंड। एक पॉइंट जीता है पिशावर हॉक्स ने, इस्लामाबाद ने पूरी कोशिश की लेकिन पॉइंट नहीं जीत सका। कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा स्टार्ट अच्छा है। अब मुझे कुछ कुछ तुम पर बिलीव होने लगा। अच्छा जी, एक छोटा सा आप लोगों को जी एक चीज शेयर करनी है आप सबसे। हमारा एक और गेम होता है अफ्तार से पहले, खुश रहो पाकिस्तान, उसमें बलूचिस्तान टीम के जो कैप्टन है रऊफ लाला साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सब लोग उन्हें जानते हैं, उनकी पोती हमारे गेम शो की बहुत बड़ी फैन है, तो मुझे स्पेशली बोला गया था उस बच्ची के लिए। तो बेटा अबीहा, अदीहा, अदीबा नाम है उस बच्ची का, अदीबा जीती रहिए, खुश रहिए और इसी तरह हमारा शो देखते रहिए। अच्छा, आप लोगों में जितने बच्चे हमारा शोज देख रहे हैं वो हमें व्हाट्सएप पे इस वक्त मैसेज कर सकते हैं। जिन जिन बच्चों के मुझे सबसे ज्यादा मैसेजेस आएंगे अपनी अपनी टीम्स के लिए, मैं उन सब का भी नाम लूंगा। आइए भाई नेक्स्ट गेम जल्दी से ले आओ, जल्दी से व्हाट्सएप का नंबर हमारा ये 0337031216। और याद रखिए सोशल मीडिया के जितने लोग हमें लाइव देख रहे हैं हमारे चैनल पे भी और यूट्यूब के ऊपर भी, गेम शो ऐसे चलेगा लीग, हैशटैग गेम शो ऐसे चलेगा लीग, आपने ये जरूर लिखना है। आपका एक एक कमेंट, आपका एक एक वोट काउंट होता है। आप लोग जिस टीम को सबसे ज्यादा वोट करेंगे आज के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जीतेगी वही टीम। लाइए जी नेक्स्ट गेम, बड़ा आसान है, बारी है लला जी आपकी, बताइए। हेड्स, हेड इट इज, टॉस जीत गई है, आपकी टीम से कौन आएगा? मारिया जी खुद आएंगी दो पॉइंट के लिए। एक पॉइंट है पिशावर हॉक्स का, इस्लामाबाद है जीरो पे। एक मिनट है आपके पास मारिया जी। एक ये तो नहीं है ना कि एक में एक डाला? ना ना ना, जितनी मर्जी आए, जितनी मर्जी आए, रेडी, एक मिनट का टाइम है कैप्टन। एक सेकंड, ये आप सोच, मैं देख रहा हूँ, पूछेंगे नहीं आवाम से, पूछेंगे कि ये पॉइंट मिलना चाहिए सोशल वाला। बिल्कुल, चलिए ये जो एक पॉइंट था तो वी विल गेट दैट, आप लोग अब डिसाइड करके बताएंगे के लैला जी ने अभी बिलाल को पकड़ने की कोशिश की, वो गिर रहे थे
और पिछले प्रोग्राम में भी क्या हुआ था, आप लोग डिसाइड करके सोशल मीडिया पर बताइए कि एक एक्स्ट्रा पॉइंट इस्लामाबाद ईगल्स को आज मिलना चाहिए या नहीं। चलिए, मैंने लोगों को नथिंग टू डू विद विनिंग और लूजिंग। चलिए, रेडी मारिया जी, रेडी गो। चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता। चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता। हम उसके पास जाते हैं मगर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। सितारों से खेलो, चांद की किरणों से ठहराओ, अभी तारों से खेलो चांद की। टाइम अप 9:10 10 स्कोर किया है जी इस्लामाबाद ईगल्स की तरफ से मारिया वास्ती ने। अब देखना यह है कि इस्लामाबाद ईगल्स का ये 10 स्कोर आज पिशावर रॉक्स तोड़ पाएगा या नहीं। रेडियो इब्राहिम, तुम्हारा दूसरा गेम हो जाएगा ये, याद रखिएगा। एक प्लेयर 5 गेम्स ही खेल सकता है, तुम्हारा सेकंड गेम है। रेडी गो। अभी तारों से खेलो, चांद की किरणों से खेलो, मिलेगी उसके चेहरे की सहर, आहिस्ता आहिस्ता। मिलेगी उसके चेहरे की सहर, आहिस्ता आहिस्ता। चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता। राज को समझो, टाइम अप। 3-6 योगेश जी, 12-13-14 स्कोर कर दिया इब्राहिम ने, क्या बात है। और ये एक पॉइंट भी जीता है आज पिशावर रॉक्स ने। और यहीं से बैठे बैठे अभी अपनी नजरों से गोलियां मार रही हैं। देख रहे हो तुम बिलाल, सिर्फ बोल नहीं रही कुछ, वैसे ही बता रही है। हाँ भाई बिलाल, कुछ कह रहे थे तुम, आज हम ये कर देंगे, आज हम वो कर देंगे, खेलने तक तो आने। बस मुझे जितना कहना था मैंने इनको कह दिया, कुछ भी नहीं कहना। आंखों से बोलती सब कुछ कह दिया, अब आंखों से बात चलेंगे, सिर्फ फोकस ऑन गेम, ये बातें चलेंगी अब। एग्जैक्टली, हाँ ये अच्छा, आंखों से बात होंगी, आंखों से बात होंगी, क्योंकि जितना कहना था सब कह दिया। हाँ चलिए जी, इसी नोट पे आज का तीसरा गेम लेकर आओ। तीसरा गेम क्या है, जल्दी से, जब तक ये तीसरा गेम आ रहा है कुछ हो जाए मेरे भाई की तरफ से। हाँ भाई, हो जाए। वेख वेख मैनु वेख वेख किसे जल्दी कुंडी खड़की है, कि मैं दसा झूठ जे हर दूजी लड़की है, नाल नाल मेरे नाल नाल पीछे लग गई है, आंधी जांदी खामखा तकरार कर दी है, मगरों मैं किवें लावा किसना मैं जान छुड़ावा, किन्नू मैं रोका किन्नू जान गया। क्या बात है जी, आइए टॉस के लिए कॉइन लाइए, बारी है मारिया जी की लकी की तरफ से। मारिया जी, पाकिस्तान का लकी, बताइए हेड्स टेल्स टॉस आप लोग जीते हैं, इसका मतलब है कि उस टीम से कोई आएगा, कौन आएगा। इस्लामाबाद ईगल, बहुत सिंपल गेम है ये, बॉल आपने सर के ऊपर रखना है और फिर बैठ के या खड़े होके आपने जितनी कॉटन है वो स्पून से इस बॉल के अंदर डालनी, लेकिन याद रहे आपने थंब यूज नहीं करना है, कॉटन को थंब से नहीं पकड़ना है, जितनी चम्मच में आएंगी जो स्पून में आएंगी सिर्फ वही काउंट होंगी। मैं खड़े होकर देख रहा हूँ, आइए भाई करके दिखाइए, आंखों पर बनी होगी पट्टी इस तरह, कुछ नजर तो आ नहीं रहा होगा आपको, एक हाथ में होगा बॉल, एक हाथ में होगा आपके स्पून और ऐसे रखना है। अच्छा, एक हाथ से आप उसको पकड़ेंगे, एक हाथ से पकड़ेंगे और एक हाथ से ही, इसमें आप बैठ भी सकती हैं, अगर आप बैठेंगी ज्यादा आसानी से चली जाएगी आपका हाथ। अब ये मैं बता नहीं सकता कैसे, इन लोगों को पता है आप लोग बैठ सकते हैं, बस मैं ये बता सकता हूँ। हाँ भाई, कौन आएगा आपकी टीम, आइए ना फिर शाहताज, रेडी कीजिए शाहताज को जल्दी से, 1 मिनट का टाइम है
और ये भी एक पॉइंट का गेम है। तुम क्या यहाँ पर गाने सुनने आते हो, तुम यहाँ हमें देखने आते हो, तुम क्या करने आते हो यहाँ? चैंपियन शाताजी खेल ले सारे गेम, ये चक्कर में था, ये आज चक्कर में था के चक्कर में चक्कर भी शाताजी खेल ले, चुप करके बैठा यूं बोल। एग्जैक्टली है क्या मैम का फैसला था, और इस फैसले में तुम बीच में कुछ बोल नहीं रहे थे। बातों के चैंपियन है ना बिलाल भाई, आपसे बातों के चैंपियन बिलाल भाई। छोटी बहन ही मानता हूँ अभी गेम सीखो इधर एक मिनट तुम लोग बातों आमिर सियाल को क्यों लिया बीच में? पता नहीं, इन्हें बहुत याद आता है। इस गेम की बात बात करता हूँ दोनों से मैं। चलिए जी, एक मिनट का टाइम है आपके पास, रेडी गो। कोहली ने जज्बाती है, दूजी लैना मार दी, तीजी जज्बाती है, चौथी रेंदी दूर दूर ते पंजवी कुछ शर्माती है, छेवी कुड़ी शरारती कड़ियां खड़कांदी है। दिलानू की समझावा मैं उड़ना नाल हमावा, इन्नू मैं छड़ा की ते नाल रवा। टाइम अप। शाताज तुम बैठी क्यों नहीं? मैंने तुमसे कहा भी था कि बैठ के, आप देखो यहां से जो टीम आएगी वो किस तरह ये गेम खेलती है, काउंट करके बताइए। नेक्स्ट रेडी कीजिए अभिया को, अभी का पहला गेम है। शताज ने एक गेम खेल लिया है, बिलाल ने एक गेम खेल लिया है, और आपकी कैप्टन ने भी आज एक गेम खेल लिया, लेकिन पॉइंट अभी तक कोई नहीं जीता इस्लामाबाद ने। जी टोटल कितने हैं? 39 स्कोर किया है। अच्छा अभिया एक चीज का ख्याल रखना, मैं तुझे देख रहा हूँ, थंब यूज नहीं करना है। चल आ जाओ शाबाश, अरे अरे आराम से आराम से, शाबाश 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 कर लो क्या? एक मिनट का टाइम है आपके पास, 39 स्कोर किया ना, 40 स्कोर करना है जीतने के लिए। पहले ही वो सोशल डिस्टेंस स्टार्ट में बेहतरीन, शाबाश भैया। चलो देख ले आप आ जाओ उसके, सही नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल सही है, नहीं नजर आया। मैं कर दूं ठीक उसको यहाँ से, कर दीजिए। चलिए मारिए जी, लेकिन नजर नहीं आएगा, नजर नहीं आ रहा यहाँ से, बस बेहतरीन। चले रेडे, ये एक सेकंड, उसको खुद करने, ये बॉल को उसको पकड़ा देना, ये लो बॉल, ये लो हाथ सर पे रखिए, एक एक मिनट भी खड़ी जाओ अभी, जब मैं रेडी को कहूंगा उसके बाद। रेडी गो, वेक वेक मैंने वेक वेक जल्दी गुंडी फड़की है, मैं सबसे के रहे हर तूजी लड़ी है, नाल नाल मेरे नाल नाल एक टीम के पीछे लग गए, आंधी जांदी खां का तकरार कर दी है, घरों में की मैं लावा इतना मैं जान छुड़ावा, इन्हों में चढ़ा की ते नाल रवा। बेटे पूरा खाली कर दिया तुमने तो वो। हाँ, we didn't know, क्या बात है, first time, we didn't know this. ये तो मेरे ख्याल से 100 के करीब होंगे। काउंट करो काउंट करो काउंट करो, काउंट क्या करना, जीत कितना कितने मार्जिन से हराया है, और ये जो आंखों की गुस्ताखियां तुम लोग की चल रही हैं, ये तुम्हें बार बार बता रही है। हाँ भाई क्या कह रहे थे बिलाल, हाँ भाई क्या कह रहे थे बिलाल, गलती हो गई, गलती हो गई, क्या कह रहे हो? माइक में तो फिर तो क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रही, सब सुनना चाहते हैं। अभी तो इस गेम में है ही चैंपियन, माइक दिखाओ माशाल्लाह से।
इधर दिखाओ माइक। ये आमिर के साथ और बिलाल के साथ प्रॉब्लम क्या है? आमिर ये बोलता है पता नहीं यहाँ देखे हम लोग तो पता नहीं करे जा रहे हैं ये करे जा रहे हैं, और बिलाल जब आता है ना ये चैंपियन है यही तो चैंपियन था। एक्चुअली बिलाल भाई को डांस बहुत पसंद है तो वो माइक को भी डांस करवाते हैं। इतना भाई ये साइल है इनका। हाँ भाई कितने सौ हो गए वे? ओहो वाह 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 कितने जीत गए ना यार। बस अभी नहीं काउंटिंग तो बनती, काउंटिंग करो भाई। ये 100 से ऊपर है बहुत आला पेशावर हॉक्स। यहाँ से देखें दूर से क्या लग रहे हैं, लेकिन जो भी अपना स्टाइल है इस बंदे का, बिलाल का अपना स्टाइल है, कभी कभी कॉपी कर लेता है मेरी, लेकिन वैसे एक ही बार कॉपी की थी, गलती कर दी। गलती की थी? गलती की थी कॉपी करके तुमने? हाँ गलती की थी। तो आज क्यों करके आयो? आज भी तुमने बाल वैसे ही बनाए हुए? आप भी ऐसे बनाते हैं? नहीं यार मेरे इतने बड़े बाल आप यही लगते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, लग नहीं सकता मैं। आप अच्छा लगते हैं दादी वैसे। चलिए जी आज की पोटली 3 पॉइंट पेशावर हॉक्स, वेल डन। आप लोग 0 पॉइंट्स पर इस्लामाबाद। आप लोगों का जीतना जरूरी है। ये टीम मोस्ट प्रॉब्ली बहुत जल्दी एलिमिनेट हो जाएगी टूर्नामेंट से, क्योंकि ये 5 गेम्स हार गई हैं। आप अगर आज हारते हैं आपका भी चांस बन जाएगा घर जाने का, इसलिए गेम बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए भाई जल्दी से पोडियम लेकर आइए, कॉइन लेकर आइए, अब खेलेंगे आज की पोटली। याद रहे दोनों टीम्स के लिए है, याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ। हमें दे दो नेल पॉलिश उतार, ये 3 पॉइंट्स की है। आप 3 पोटलियां लेकर आएंगे या पहले आप 3 पोटलियां लेकर आएंगे, उसमें जो भी अमाउंट होगा मैं सम अप करूंगा, जिसका टोटल ज्यादा होगा ये 3 पॉइंट्स जाएंगे उस टीम के साथ। अच्छा जी बारी किसकी है? टॉस की। 1 2 3 4 आपकी, बताइए। हेड्स। और ये टॉस आप जीत गई हैं। अच्छा मुझे लगा आप टेस्ट बोल दोगे, क्योंकि ये जब उछला था तो ये फ्लिप ही नहीं किया था सही तरह। खैर ये किस्मत की जहां भी बारी आती है, पिशावर वाले पीछे क्यों रह जाते हैं भाई? नसीब अपना अपना ट्रकों पे लिखा होता है ना, आप यकीन जाने ट्रक उधर ही जा रहे हो। ये टीम मुझे लगता था कि ये टूर्नामेंट की सेकंड बेस्ट टीम है, क्योंकि ये लोग गेम्स बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन जब बात आती है किस्मत की ये लोग हमेशा फिर चल रहे हैं, हमेशा हार जाते हैं। टॉप फ्रॉम द बॉटम भी तो हो सकता है ना, ये भी हो सकता है। आइए जल्दी से मेरे साथ, ये घर आपका इंतजार कर रहा है। बिलाल मियां आ जाओ। जी मारिए जी, पहले आप जाएंगे। रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, बोल जा सिर्फ कौन सा मर्जी ले लो। क्या हुआ है? बोलो बोलो। 9 पोटलियां है, कोई भी एक पोटली आप ला सकती हैं अंदर से। देख के देख के देख के जाइए, आप कहाँ जाइए? आप जाइए पहले शाहताज, बिलाल वापस, लेडीज फर्स्ट। बहुत आला, बहुत जल्दी है तुम्हें जाने की। चलिए 7 नंबर ले आई, 7 नंबर आई आप, 7 नंबर, 3 नंबर और बिलाल लाए हैं अपने लिए नंबर 4। आइए पिशावर आइए जल्दी से आइए। कौन से लिया है? 4 लिया है 7 लिया है। 7 नंबर, 4 नंबर और कैप्टन। बोल जा सिम सिम, बोल जा सिम सिम। 6 पोटलियों में से कोई भी एक ला सकती हैं आप। सोच समझ के बिस्मिल्लाह पढ़ के आज तो किस्मत को आपका साथ देना ही चाहिए यार, किस्मत वाले गेम हार जाते हैं लोग। जाओ अभी आप जाओ, अभी आपने जाना है। देख के दानिश जी क्या है ये? कौन सी गेम्स हैं? क्या कर दिया आपने? वो मैंने ऐसे क्या और ऐसे हो गया? पक्की बात है? हाँ। खोल के देखा तो नहीं आपने? चीटिंग। ये लो मौका दे दे। चीटिंग हो गई है। कमॉन। नहीं। मैंने कहा ये कौन सी गेम्स हैं? क्या कर रही हो? जिसमें मेरा बस नहीं है। इतना टाइम लगा दिया? कल भी अच्छा नंबर ही लेके आए। कल भी ये मेकअप का अंदर मेकअप करना शुरू हो जाती है यार, बताओ जरा। टोपी लेने भेजा अंदर। मंकी गोलगप्पे ना निकले। ये देखो यूं गए और यूं आ गए। आओ जल्दी से शाबाश आइए। चलिए भाई कोई बात नहीं, 3 पोटलियां आ गई हैं इस्लामाबाद की, 3 पोटलियां हो गई हैं पेशावर हॉक्स की, और अब मैं एक एक करके इन लोगों की पोटलियां खुलवाऊंगा। याद रहे जिस टीम का अमाउंट सबसे ज्यादा होगा आज ये इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स, वही टीम जीतेगी।
तीन पॉइंट्स पे ऑलरेडी इस वक्त पिशावर हॉक्स है। इस्लामाबाद ने अपना अकाउंट नहीं खोला है, पॉइंट्स के अंदर जीरो पॉइंट्स पर है। तीन गेम्स खेले गए हैं, तीनों हार गए हैं ये लोग। लेकिन किस्मत इस्लामाबाद पे हमेशा से बहुत मेहरबान रही है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आज भी मेहरबान हो। आज हो सकता है कि आप लोगों पे ज्यादा मेहरबान हो, इसलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की पोटली। लाइए जी इब्राहिम की पोटली लेकर आइए। सबसे पहले इब्राहिम अपने लिए लेकर आए लाल लाल एक नंबर। इब्राहिम ये एक नंबर तुम्हारा लकी नंबर है या लाल नंबर? लाल तुम्हारा फेवरेट रंग है? असल में गेम चेंजर में एक नंबर में सब कुछ निकलता है। ऐसा तो हर दफा नहीं होता। तुम लोग तो चार और पांच नंबर पे हारे थे गेम चेंजर, याद आया? हर दफा चेंज करते, कल हुआ ना ऐसा, चेंज करने का मौका भी मिला तो उन्होंने किया नहीं। खैर मैं देखूंगा पोटली नंबर एक में ये क्या हुआ। ये जब ये पोटली वाली गेम आती है ना और गेम चेंजर, पोटली नंबर एक जाते हैं। तुम्हें दूर से नजर नहीं आ रहा था ये लाल रंग की पोटली है खतरे की, और लाल होता है खतरे का निशान, तो तुम क्यों लिया एक खतरों से लड़ना है तो ही आगे जा सकेंगे। खतरों से लड़ोगे तो ही आगे जाओगे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि खतरों से लड़के तुम आगे गए हो या तुम अपनी टीम को लेके बहुत पीछे चले गए हो। याद रहे कि कल भी माइनस निकले थे दोनों टीम्स के पास, और आज भी काफी तादाद में माइनस भी हैं। हाँ हाँ हमारा तो कुछ माइनस हो ही नहीं सकता। किसका? जीरो है हमारा। क्या जीरो नंबर है कोई माइनस? चलिए मैं देखता हूँ कि इनका कितना माइनस या प्लस है। एक नंबर पोटली लेकर आए इब्राहिम एक पिशावर नंबर के तुम हॉक्स के लिए, लेकिन ये लाल रंग इन्हें ले डूबा माइनस छह लाख। व्हाट जी अभी कुछ आया नहीं और माइनस दस लाख भी है माइनस टेन लैक्स भी है माइनस छह लाख का अकाउंट खुला है, मतलब कि अब ये सात लाख लाएंगे तो एक लाख बनेगा। कोई बात नहीं, नहीं। चलिए जी अब बारी आई है नई शाताश की। क्यों क्यूटो नहीं? क्यों क्यूटो? वहां से कौन स्टार्ट हुआ? जेंट स्टार्ट हुए और यहाँ से भी बिलाल होगा। जाइए जी उनको तो तुम खुद क्यों आते हो? फोर नंबर इसका, फोर इसका है ना, ये लकी नंबर है इसका। तुम्हारा फोन नंबर भी इसमें क्या? बार बार वॉलंटियर को तकलीफ देना भी अच्छा नहीं लगता। तो तुम बन जाओ वॉलंटियर हमारे, नहीं, मैं खिला उनको लेता हूँ। तुम इतनी तो इतना प्यार आ रहा है तुम्हें तो, है ना? मैं तो कब से मेरी नजर है उसपे, कब से मैं इसकी डिमांड कर रही हूँ, है ना काशिफ की? बहुत काशिफ तुम डिमांड में हो बहुत यार। चलिए जी मेरा तो रिमांड हो रहा है यहाँ पे। फिलहाल लेकर फिलहाल बिलाल जैसा हेयर स्टाइल बनाया, थैंक यू। ये चार नंबर तुम्हें किसने लाने के लिए कहा? 420 नहीं चार नंबर है। जो लेकिन दिल ने कहा मैं वही करता हूँ जी। जो तुम्हारे दिल ने कहा तुम वही करते हो। दिल में जो आ जाए इसके, तो दिल में ही आया था इसलिए तुमने तूबा को प्रपोज किया था। अरे यार तो तूबा को आप लोग इतना फेमस क्यों कर रहे हो? अरे नहीं भी कोई बात नहीं है, कितना जेलिस आदमी है यार, क्या तो फेमस करने की बात क्या आ गई? तुमने किया था या नहीं किया था? किया था ना तुमने? मैंने मोनोलॉग में प्रपोज नहीं किया था। क्या बोला तुमने? एग्जैक्टली क्या बोला था? दिल की बात हो। एग्जैक्टली क्या बोला था? एग्जैक्टली तो मुझे भी याद नहीं, मैंने मुझे याद है, मैं बता दूं। देखें आपके भाई को तो पसंद आ गई है एक लड़की और उसका नाम है तूबा जी, मैं करने वाला हूँ उससे शादी, यही बोला था ना? पहले बताओ तूबा का क्या तौबा था? उसने अटेम्प्ट तो की है बताया कि क्यों कर रही हो, आपको क्यों कॉपी करूंगी? मुझे ऐसी क्या कमी है जो मैं आपको कॉपी करूंगी? नहीं तो लाहौर की तूबा मैंने ऐसे ही बोल दिया था, आप लोग इतना सीरियसली ना लो उस बात। चलिए इस बात को आप सीरियसली ना लीजिए, लेकिन अब इस पोटली में जो कुछ है उसे सीरियस लेने की बड़ी जरूरत है। क्या जल्दी बता दे, सस्पेंस आप बहुत फैलाते हो। नहीं फैलाऊं क्या करूं? इसके बाद मुझे कुछ डायरेक्ट पोटली खोलूं और बता दूं निकलने से पहले ही माइनस छह हो गया। अरे कार्ड कार्ड दिया मेरे हाथ में। अच्छा जी शादी का कार्ड तो नहीं है बिलाल और टूबा तो? हाँ कुछ कुछ ऐसे ही लग रहा है मुझे। अस्तगफुरुल्लाह चार नंबर पोटी लेकर आए थे इस्लामाबाद ईगल्स की तरफ से। चार शादियां हैं? नहीं नहीं चार शादी
एक नंबर पोटी लेकर आए थे इब्राहिम, उसमें निकले माइनस। हालांकि अभिया ने मना भी किया, एक नंबर में माइनस 6 लाख निकल सकता है। अभिया ने कहा जाके अंदर चेंज करके आ, माइनस 10 लाख नहीं निकल सकता। अगर ये माइनस 10 लाख निकल गए तो पूरी टीम को मिलके बहुत बड़ा अमाउंट निकालना पड़ेगा, तो तुम लोग आगे जाते। फिर तो 10 लाख और गेम्स फिर जी उस पे कहानी आ गई है। नहीं नहीं नहीं, हमने एक नंबर पोटली पे माइनस 6 लाख पिशावर हॉक्स, 4 नंबर पोटली पे माइनस 6 लाख नहीं प्लस 6 लाख। वाह भाई वाह, किस्मत के धनी हैं ये लोग। शुक्र है माशाल्लाह। फिलहाल बिल्कुल चले, अच्छी बात है आपके जबान से माशाल्लाह तो निकला। मैं हमेशा आपकी नहीं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, लेकिन आपकी आदत है कि आप जो है मोहल्ले वाली आंटी बन जाते हैं, इसलिए फिर मैं आके आपको बता, आपके तमाम मोहल्ले वाली आंटी बन जाती है। ये बच्चे ये अगर की बात उदास करता है, फिर कहते हैं कि सामने वाला झूठ बोलता है। पूरी दुनिया ने आपके कई बार मोहल्ले वाली आंटी बन जाते हो। नहीं आ रहा, क्या हो गया? मोहल्ले वाली आंटी बन जाता है ये? वो कैसे? नहीं नहीं, मैंने आज तक किसी की बात यहाँ आई। हाँ मोहल्ले वाली आंटियों में ये तो सारी सारे पाकिस्तानी अब जानते हैं कि कौन कितने पानी में है। ये लोग फाइनल में कैसे पहुंचे आप लोग जानते हैं अच्छी तरह। कितने पानी में है फाइनल में सब पता चल जाएगा। अरे इनका एक और गेम है जिसका नाम है चैंपियंस, उस प्रोग्राम का, उसमें ये तीनों जो है ये फाइनलिस्ट है। बिलाल बिलाल झूठ नहीं, कम से कम अभी झूठ नहीं बिलाल भाई, बिल्कुल भी झूठ नहीं। आप फाइनलिस्ट हैं ना, इधर बैठ के झूठ नहीं बोलेगा। 1 करोड़ रुपए का इनाम है, झूठ नहीं बोलेगा मुझे किसी एक के पास। आप जानते हैं लड़ते हैं ये लोग, आप जानते हैं मैं फाइनलिस्ट हूं, आप जानते हैं मैं फाइनलिस्ट नहीं हूं, मुझे ज्यादा बोल रहे हो। बिल्कुल भी आप झूठ नहीं बोले। अच्छा बस बस ठीक है, लाइए भाई 8 नंबर पोटली लेकर आई थी अभिया, जरा जल्दी से लाइए अभिया, तुम्हारी पोटली में बड़ा अमाउंट निकलना बहुत जरूरी है। तुम लोग ऑलरेडी माइनस 6 लाख पर हो, और यहाँ बिलाल के साथ किस्मत बड़ी मेहरबान चल रही है भाई, ये स्माइल से पता चल रहा है। किस्मत भी क्यूट लेकर आया है अपनी। चलो जल्दी से मैं देखता हूँ कि अभिया की पोटली में ये 8 नंबर तुम्हारा लकी नंबर था क्या? मुझे नहीं पता मेरा लकी नंबर क्या है। इनकी तुम पोटली में सबसे देर में लेकर, तुम्हें खिला दूं गोलगप्पे? नहीं, नहीं, मैं खाता ही नहीं हूँ, मैंने आपको पहले ही खाया। इतनी देर में तुम सोच के लाती हो, वो भी मैंने आगे तुम्हें बोला चलो तो तुम आई हो, वरना तुम अभी भी नहीं आ रही थी। सोच समझ के ये लाई हो तुम 8 नंबर? मुझे वहाँ पे दूसरे नंबर भी उठाने थे। तो क्यों नहीं उठाए तुमने? कंफ्यूज थी मैं। किस बात पे कंफ्यूज थी? बस मैं ये सोच रही थी उठाऊं ना उठाऊं, फिर आप वो पीछे था कि मेरे को उठा ही लो बस। अच्छा, अब तुम 1 मिनट अंदर लगाओगी तो मैं तो बोलूंगा बाहर भाई गेम खेलना। सोचने का टाइम लगता है ना। खैर इन्होंने सोच में टाइम इतना जाया कर दिया, लेकिन 8 नंबर पोटली में ये जो अमाउंट लेकर आई है उससे इनकी टीम का क्या होगा अभी थोड़ी देर में आप लोगों को पता चलेगा। प्रॉब्लम ये हो गई है कि इनके जो टीममेट थे इब्राहिम, जो वो पहली पोटली लेकर आया उसमें उन्होंने माइनस 6 लाख करवा दिए हैं। अब इस टीम को जरूरत है 10 लाख की या 7 लाख की प्लस के अंदर, तब कहीं जाके स्टैंड करेंगे ये लोग, वरना ये लोग तो 6 लाख पे ऑलरेडी जीत रहे हैं इस वक्त। मतलब फर्क 12 का हो गया है, माइनस 6 और प्लस 6। पहले तुम्हें 0 तक आना है फिर 6 तक जाना है, 12 लाख निकलते तो होती जीते तुम्हारी बराबर, लेकिन ऐसा हरगिज भी नहीं हुआ तुम लोगों के साथ। पिशावर हॉक्स किस्मत तुम पर मेहरबान है कि 8 लाख 8 लाख वेरी गुड, यानी कि 2 लाख हो गया जी, 2 लाख रुपए जमा कर लिए हैं। और एक बात अभिया, कल भी अच्छा लेके आई थी, तुम्हारा अमाउंट बिलाल से ज्यादा निकला है जी माशाल्लाह। ओह वाओ रियली, अब बिलाल क्या कुछ कहना चाहोगे? बिलाल कितने लेके आया था? माशाल्लाह बोलेंगे बिलाल आया था 6 लाख और अभिया 8 लाख रुपए लेकर आई है। ये अच्छा हो गया। लेकिन वो माइनस 6 सही चैंपियन चल रही है, माइनस 6 से अब आपके 2 हो गए। हाँ क्या कुछ कहना चाह रहे हो तुम? मैं मुझको लगता था कि 4 नंबर में ज्यादा, लेकिन इनके चले तो किस्मत का खेल है, अब क्या बोल सकते हैं। अच्छा तो नहीं लग रहा तुम्हें? अभिया की किस्मत भी अभिया की तरह प्यारी है ना? नहीं नहीं, तुम्हारी शक्ल बता रही है बिल्कुल खुशी नहीं हो रही। नहीं नहीं बिल्कुल खुशी है, क्या हो गया। चलिए भाई जल्दी से अब शाहताज की बारी है, जो टीम इस्लामाबाद ईगल्स के लिए 7 नंबर की पोटली लेकर आई है। 2 लाख हो गए हैं पिशावर हॉक्स के अकाउंट में जमा, 6 लाख पर हैं आप लोग, बस दुआ कीजिए कुछ माइनस में ना निकले। चलिए जी 7 नंबर जो काफी सारे लोगों का यहाँ भी लकी नंबर है इंक्लूडिंग मी, मेरा भी 7 नंबर ही लकी नंबर था। शाहताज मैं एक बात को जानता हूँ, मेरे साथ मैच कर रही है वापसी में मैं ले जाऊंगी हमारा मिस में, हाँ ऐसे करके ना पाउच बिल्कुल 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 पोटली साथ ले जाएंगे। खैर ये पोटली
इस काबिल नहीं है कि इसको मैं साथ लेके जाऊं। शहताज ये पोटली आप लेकर आई हैं 7 नंबर, तो ये 7 नंबर आपके साथ ही जानी चाहिए, इस्लामाबाद का हक है इस पे। तो शहताज ये 7 नंबर क्यों लेकर आई तुम? वैसे ही आज दिमाग की सुन ली मैंने। दिल की नहीं सुनी तुमने? यही तो गलती कर दी तुमने। दिल की सुनना बड़ी जरूरी होता है। बिलाल तो दिल का जैसे बिलाल, उस दिन दिल की सुनी थी बिलाल, तो मंकी निकला था। बिलाल आ गया था। नहीं नहीं, मुझे उम्मीद है 7 नंबर में कुछ ना कुछ अच्छा अमाउंट है। जैसे आई होप सो। क्या अब वो मैं क्या बोलूं, बोल दूंगा पहले आप मुझे मजाक। नहीं मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा, पूछना चाह रहा हूं तुम्हारे जहन में क्या क्या हो सकता है 7 नंबर में? 7 नंबर में आई थिंक जो इस वक्त की सबकी अमाउंट है वो 10 लाख निकलेंगे। सबसे बड़ी अमाउंट, सबसे बड़ी 10 लाख रुपए होंगे इसके अंदर। अच्छा जी, सबसे पूछ लेता हूँ आपको क्या लगता है क्या होगा 7 नंबर में? अच्छा ही अमाउंट होगा। अच्छा अमाउंट होगा, ओके। लला जी अच्छा होगा। अच्छा अमाउंट होगा। इब्राहिम उंगली होगी? उंगली नहीं बेटे, ठेंगा होता है, ठेंगा थंब है ये, थंब सही है। अच्छा जी सॉरी मैं कह रहा था शहताज आपको क्या लगता है क्या होगा? 50-50। नहीं बेटे एक चीज बताइए मुझे कि ये हो सकता है क्या? पता अच्छा आपकी सबसे बड़ी अमाउंट है 10 लाख प्लस जी, वो निकले अच्छा है। 10 लाख रुपए आपको लग रहा है 7 नंबर में 10 लाख रुपए। अगर 10 लाख रुपए निकल गए तो 16 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। फिर आपके 10 लाख रुपए निकले या ना निकले कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हाँ यहाँ निकला है ना। तो मैं जल्दी से बताता हूँ आप कि ये 7 नंबर की पोटली जो शहताज टीम इस्लामाबाद ईगल्स के लिए लेकर आई है, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, आपका लकी नंबर हर रोज लकी नंबर नहीं होता, आपका मुख्तलिफ नंबर ट्राई करने चाहिए। तो मुझे लग रहा था कि तुमको भी आज कोई मुख्तलिफ नंबर ट्राई करना चाहिए था। आपने क्या ट्राई करना है? मैं ये आप सब कुछ कर सकती हैं। आप मारिया जी हैं, मैं तो शहताज की बात कर रहा हूँ। कर सकते हैं बिल्कुल, मिस्ड कॉल का जमाना पुराना हो गया, वैसे ही नंबर मांग लीजिएगा। मिस कर रहा हो तो बंदा कॉल, हाँ फिर कर सकता है, लेकिन ये मिस्ड कॉल गलत जगह लग गई है। -3 लाख -3। कौन कौन कह रहा था अच्छा है और बुरा है? हाँ भाई 10 लाख वाले भाई, जो 6 लाख थे वो रह गए 3 लाख के ऊपर अब, और जो -6 लाख थे वो हो गए +2 लाख। तो अभी अमाउंट ये हो गया है, इस्लामाबाद ईगल्स के अकाउंट में 3 लाख रुपए हैं, पिशावर हॉक्स के अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं। अब कहानी आ गई है दोनों कैप्टन्स के ऊपर, बच्चों ने अपना काम कर दिया है, अब डिसाइड करेंगी आप दोनों की पोटलियां के ये 3 पॉइंट्स आज किस टीम के साथ जाने चाहिए। याद रहे इस्लामाबाद ईगल्स के 0 पॉइंट हैं अभी तक, कोई गेम नहीं जीता इन लोगों ने। पेशावर हॉक्स बहुत अच्छा खेल रहे हैं, 3 गेम्स खेले हैं, तीनों जीते हैं, 3 पॉइंट्स पे स्टैंड कर रहे हैं। चलिए जल्दी से लैला जी की पोटली लेकर आइए जी। नहीं लैला जी आज नहीं, इसमें गोलगप्पे मंकी और डक रहेगी भी। अब मुझे क्या पता, बैट रहेगी हुआ है, बैट भी निकल सकता है, जीरो भी निकल सकता है, और 10 लाख और 7 लाख भी निकल सकते हैं। लाओ भाई जल्दी से, नहीं हो सकता, नहीं लाइए 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 जरा। लैला जी बड़े शौक से ये दो नंबर, शौक से इन्हें बस में लेके आई, नहीं ये नहीं, मुझे लग रहा है पिंक आपका फेवरेट कलर, यस मैच भी कर रहा है, पिंक कलर फेवरेट है, लेकिन मैंने उस वक्त ये नहीं सोचा था। आपने क्या सोचा और क्या नहीं, लैला जी कोई फायदा नहीं हुआ, बस कोई फायदा नहीं हुआ लैला जी। अच्छा 2 नंबर पोटली आज आप क्यों लाई? ऐसे ही बस ले आई, कोई खास वजह नहीं थी, नो लकी नंबर, ना ही कलर फेवरेट कलर की वजह से, कोई वजह नहीं बस थी। आपको सामने नजर आई इसलिए आपने? नहीं सामने तो 2-3 नंबर नजर आए, तभी बस ऐसे मैंने why नंबर 2 यही पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे, बस ऐसी ले आई ना, बस अब मुझे नहीं पता, बस अब ले आई। बिलाल साहब क्या कहते हैं 2 नंबर में क्या निकला होगा? दिल से बोलना क्या निकला होगा बताओ, बोल दो, कोई बात नहीं, दिल पे नहीं लेंगे, अच्छा ही होगा, अच्छा होगा, कितना अच्छा होगा, सो स्वीट, क्या अंदाजा भाई, आप मुझे भाई मैं सबसे पूछ रहा हूँ, तुम्हारे बाद इनकी बारी भी आएगी, अच्छा ही होगा कुछ ना, तुम्हारे हिसाब से कुछ अच्छा होगा, 10 लाख रुपए होंगे यानी, ये कह रहा है, चाहता नहीं है, कह रहा है कि अच्छा होगा, लेकिन दिल से नहीं चाहता कि 10 लाख रुपए निकले तुम लोग, कह रहा है कि अच्छा होगा मेरे लिए, आपके लिए अच्छा होगा, जो मेरे लिए अच्छा माइनस में आएंगे इनके, अच्छा अब बताता हूँ कितने माइनस में और कितने प्लस में। शहताज क्या होगा स्पोर्टली में? कुछ अच्छा अमाउंट, कुछ अच्छा होगा, बैट बॉल जी। अभिया जी क्या होगा स्पोर्टली में? अच्छा ही होगा इंशाल्लाह, अच्छा होगा। हाँ भाई इब्राहिम
10 लाख याद रहे कि कैप्टन का कभी भी कोई बड़ा इनाम नहीं निकला है, आज निकलेगा इंशाल्लाह। अभी दिखाता हूँ, 2 नंबर पोटली लेकर आई हैं जी लैला जी पेशावर हॉक्स के लिए, और 2 लाख रुपए पे स्टैंड कर रही थी इनकी टीम, इनको आज कोई बड़ा अमाउंट लाना बहुत जरूरी था। लेकिन लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा ये किस्मत क्यों साथ नहीं दे रही है इन लोगों का, जब लोग ये लोग खेलते भी बहुत अच्छा है, पॉइंट्स भी जीत जाते हैं, सारे गेम्स बहुत मेहनत के साथ खेलते हैं, लेकिन जहां बात किस्मत की आती है ना बस वहीं रह जाती है ये टीम। अभी तक तो ऐसे ही हो रहा था लेकिन आज कुछ मुख्तलिफ हुआ है लैला जी के साथ। पेशावर हॉक्स की कैप्टन लेकर आई है पूरे 3 लाख रुपए, नॉट बैड, 5 लाख शुक्र या बंदर आज सबसे बेहतर हुआ है आपके साथ, शुक्र है। ना बलून निकले, ना मंकी निकला, ना बैट निकला, कम से कम प्लस में 3 लाख रुपए लेकर आए और आप लोग स्टैंड कर चुके हैं 5 लाख रुपए टोटल अमाउंट पेशावर हॉक्स का। यहाँ जो टीम है इस्लामाबाद ईगल्स वो स्टैंड कर रही है इस वक्त 3 लाख रुपए में। आप लोगों ने दुआ ये करनी है कि ना तो जीरो निकले ना ही कोई अमाउंट माइनस में निकले। करें पेन का इस्तेमाल करके दुआ, मैंने कहा दुआ ये करनी, कोशिश नहीं बोला मैं, मैंने बोला दुआ ये करनी है कि ना जीरो निकले ना ही कोई अमाउंट माइनस में निकले, क्योंकि अगर आप ये गेम भी हार जाते हैं तो 6 पॉइंट्स हो जाएंगे पेशावर के और आप लोग रह जाएंगे जीरो पे, और उसके बाद जो नजरें होंगी अबीहा की वो सिर्फ ढूंढेंगी बिलाल की नजरों। ऐसा ना बोले आप, सुन तो लिया करो पूरा, और हमारे 3 हो गए तो मैं तो रियलिटी बता रहा हूँ, अगर हारे, अगर जीत गए तो 3 पॉइंट तुम्हें मिलेंगे यार, मैं बता रहा हूँ अगर तुम लोग हार गए तो 6 पॉइंट हो जाएंगे यहाँ पर। लाओ भाई जल्दी से, नहीं आज की आखिरी पोटी मारे जी प्लीज, नहीं दे दें 3 पॉइंट है ना है आगे मेरे पास, पता नहीं इसमें क्या है, अल्लाह कह रहे 3 प्लस में हो, माइनस में हुए तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। लाइए जी, क्या ओ आज माइनस 10 लाख और माइनस 9 लाख दोनों है। ओ अच्छा, सारे कार्ड पे बस माइनस ही, और वो निकले भी नहीं है, और लिखने की हमारे पास माइनस 6 लाख तो निकला है, माइनस 3 लाख भी निकला है, लेकिन माइनस 9 लाख और माइनस 10 लाख अभी भी किसी पोटली में पोशीदा है। आइए मैं दिखाता हूँ वो पोटली कौन सी है। मारिया जी भाई हम अपनी पोटलियाँ खुद लाया करेंगे आइंदा से, तो खुद ही ला रही है, हम थोड़ी ला रहे हैं आपके लिए, घर से लाया करेंगे, घर से लाया करेंगे। अच्छा खैर मैं देखता हूँ जल्दी से, मारिया जी घर से ही ले आती तो ज्यादा बेहतर था, ये क्या किया। इस्लामाबाद ईगल्स की तरफ से सबसे पहले इनकी कैप्टन गई थी 9 पोटलियों में से कोई एक पोटली चूज करने, और वो चूज करके ले आए अपने लिए पोटली नंबर 3। इनकी टीम स्टैंड कर रही है टोटल अमाउंट 3 लाख रुपयों पर। अब इनके लिए प्लस में कुछ पैसे जमा करना जरूरी था, अराउंड 3 लाख रुपए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिलहाल ये क्या हुआ, पर ठीक है कोई बात नहीं, 3 लाख रुपए जमा नहीं हुए। आज पेशावर के साथ किस्मत अभी तक बहुत अच्छी जा रही है गाइस, हैरान कुन तौर पे आज इस्लामाबाद के साथ किस्मत उतनी अच्छी नहीं रही अभी तक। अब मैं बताता हूँ आपको कि ये जो 3 नंबर पोटली है ये आपके लिए खुशियाँ लाई है या ये 6 पॉइंट्स आज गए पेशावर के पास। हाँ भाई वैसे मारिया मुझे लगता है कि अच्छा होगा, तो ये 6 पॉइंट्स जीतने के बाद तुम्हारी नजरें किसे तलाश करेंगी, अच्छा होगा, मतलब तुम किसे देखना चाहोगी अगर तुम 6 पॉइंट्स जीत जाती हो आज, अगर ये 3 पॉइंट्स तुम्हारे साथ चले जाए, एक अलग खुशी है इसके चेहरे पर तुम्हें हराने की, ये चाहती है आज कोई गेम तुम लोग ना जीतो, ये लोग 20 सिफर हराएं तुम्हें। नहीं नहीं दानी का पता नहीं चलता, ऐसी कोई बात नहीं मेरी, यानी कि जितनी बात थी वो मैं क्लियर करती, अदरवाइज मुझे इनसे कोई मसला नहीं है कि ये गेम में जीते हैं हारे, आपको भी फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, ये मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करते, बस जो बात थी वो मैंने कह दी। ओहो एग्जिस्ट ही नहीं करते, मतलब इनविजिबल आदमी, बड़ी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, इनविजिबल आदमी मिस्टर लिया कैसे हुआ है। नहीं ये गलत बात है, आपको हॉस्टल वाली बात है बिलाल, एक्चुअली ये कहना ये चाह रही है कि बिलाल तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। वो पिछली बार जो हराया था, जो आफ्टर दी मैच जो हुआ था, ओ अच्छा एक मिनट, हम तो चने बेच रहे थे बैठ हुआ था, इससे पहले वो कौन जीता था, ये जीते थे ना, अच्छा ये जीत गए थे, तो बदला लेने आप लोग आए जी, लेकिन बदला लेने के लिए बहुत जरूरी होता है किस्मत का साथ देना, और वो किस्मत आज भी पेशावर के साथ नहीं है। 8 लाख रुपए Oh!
वेल डन कैप्टन, इस्लामाबाद ईगल्स की कैप्टन मारिया जी लेकर आई है पूरे 8 लाख रुपए, और इस तरह इनका टोटल अमाउंट हो गया है 11 लाख। वेल डन। और ये 3 पॉइंट्स जाएंगे इस्लामाबाद ईगल्स के पास। और ये वो सांप सीढ़ी होती है ना, जहां सीढ़ी आती है एकदम से ऊपर चले जाते हैं, इनके साथ किस्मत वही करती है। 3 पॉइंट्स हो गए इस्लामाबाद के, 3 पॉइंट पिशावर के, बहुत आला। चलो अच्छा चलो, जी डांस करो, आ जाओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। इसको बड़े बड़े वाले मारने पड़ते हैं यार। और ये जल्दी से मुझे बताइए सोशल मीडिया स्टेट्स क्या बता रहे हैं, किसके फैंस जाग रहे हैं और किसके फैंस सारी घर के सोए पड़े हैं। दिखाइए भाई जल्दी से प्लीज, बिलाल के हेयर स्टाइल के बारे में देखिए कैसा है, क्या कैसा लग रहा है। ओके 50% फैंस है पिशावर हॉक्स के पास, 49% है आप लोगों के पास। कल के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पिशावर ने जीते थे, सोशल मीडिया के 2 पॉइंट पिशावर ने जीते थे कल भी। चलिए भाई इसी नोट पे नया गेम लग रहा भाई, क्या है ओहो बिलाल के मतलब का गेम आया है आज तो। अब मैं देखूंगा किस में कितना है दम, इस गेम का नाम है किस में कितना है दम। बिलाल साहब आसान तरीका ये है, तुम इस रस्सी को अपने चारों तरफ बांध लेना, मुझे नहीं लगता ये लोग तुम्हें खींच पाएंगे। आइए जी 2 पॉइंट्स का गेम है पिशावर, क्योंकि दोनों प्लेयर्स खेलेंगे यहाँ से भी, दोनों प्लेयर्स खेलेंगे यहाँ से भी। आ जाए दोनों जल्दी से, जल्दी जाइए मैदान में। ये गेम मैं नहीं बनाता हूँ, नहीं नहीं अच्छा अभी 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 यहाँ से आइए, ये यहाँ से पकड़ पीछे हो, पीछे हो, पीछे हो, अभी पीछे हो, अभी आप पीछे हो, मैं उनको भी सर्च। इसमें कैप्टनसी आ सकते हैं। चलो मैं कह रही हूँ ना बांधो, बिल्कुल ठीक है बांधो ना, बांध नहीं थोड़ा और पीछे से पकड़ो, बांध और पीछे, बांध सकते हैं, बांध लो, क्यों ऐसे साड़ी गिरे तो बहुत जोर से गिरोगे ये बता दूं मैं तुम्हें, मुझे नहीं पता वो खींच सकते हैं तुम्हें, कर लो ना कह रही हूँ, बट ये डिपेंड करता है कितनी ताकत है तुम्हारे हाथों में। रेडियो बांध लो ना, एक मिनट अभी आप पीछे बहुत आगे आ गए, एक मिनट ऐसे बोलो खड़े करीब करीब खड़ी बांध लो, बांध रहा है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। रस्सा भी ज्यादा ये क्या हो रहा है, आप भी कर सकते हैं ये, नहीं ठीक है बांध लो अपने आप को, एक एक ही दफा जो अल्लाह अल्लाह जी बहुत आला, आप भी बांध लो, बांध लो, नहीं नहीं आप भी बांधो, बांधो नहीं 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 वो लोग बांधे आप भी बांधो, नहीं कोई बात नहीं, कलर्स हैं कोई बात नहीं। अब ये तो अब वो उसको एडवांटेज है इस बात का भाई, अगर आप चाहें आप बांध सकते हैं, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ पक्का, नहीं वो तो पूछा है हमने की बात पक्का, कोई बात नहीं। चलो भाई रेडी है सब लोग मेरे कहने के बाद, रेडी गो, बोलो 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 क्या देखा, बोलो 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 क्या देखा तुमने मेरे पे, क्या देखा ऐसे तो चेहरे हजारों हैं, मेरी उदास निगाहों में तुमने क्या देखा, ओ क्या देखा, मेरी गाड़ी देखी या मेरे बंगला देखा या मेरे सारा बैंक बैलेंस देखा, मेरे सपने देखे ना मेरा जज्बा देखा ना मैं टूटा हुआ दिल देखा तुम्हें प्यार मुझसे। बस भाई बस जा रहा, तुम उसके पास वही चली गई हो, वहाँ से शुरू किया, वहाँ से शुरू किया तुमने, उसने खेच खेच के यहाँ ले गया तुम लोगों को, यहाँ तक यहाँ तक ले आया खेच खेच के। नो 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 नो, वेल डन भाई बहुत आला बिलाल, दानिश गिर गया था से गिरा ये, है। ये तुम अपने एंगल्स देख रहे हो या डांस कर रहे हो, तो दानिश ये पॉइंट उनको कैसे जा सकता, वो तो गिर गया नहीं गिर उसने गया, आपके प्लेयर्स को खींच के वहाँ तक पहुँचा दिया, उसके बाद गिरा नहीं यहाँ तक नहीं वो पहले गिर गया। मैं आपको रिप्ले दिखाऊं, हमारे पास 6-7 कैमरे हैं रिप्ले दिखाने के लिए। दानिश गिरने से क्या, आपको रिप्ले दिखा सकता हूँ, गिरने या ना गिरने का तो मैंने बोला नहीं। आप लोगों ने सबसे बड़ी गलती ये की, जब मैं कह रहा हूँ उन लोगों ने बांध लिया अपने आप को, तो आपको भी बांधना चाहिए था, क्यों हमने भी जिस जब नहीं बांधा वैसे ये तो ज्यादती है भाई। अभी ये क्या बात होती है, अब कुछ गेम्स में तुम अच्छी होगी, गिर गया वो अच्छा होगा,
अरे जब वो गिर गया गेम में बता नहीं ये पॉइंट नहीं जाएगा ये पॉइंट नहीं जाएगा मैं बताता हूं वो गिर गया था ना तो फिर सोशल मीडिया के दो पॉइंट हमें दे दें सोशल मीडिया के दो पॉइंट हमें दे दें भाई वो तो वक्त आने पे पता चलेगा इसको जानिए जिस तरह वो तो बताने में पता चलेगा सोशल मीडिया के पॉइंट्स को जाने हैं मतलब ज्यादा चक्कर नहीं अच्छा भैया दो पॉइंट जाएंगे इस्लामाबादी गर्ल्स के साथ बहुत अलग गाइस नहीं ये चीटिंग है ये चीटिंग नहीं नहीं आपकी टीम ये गेम्स मैंने भी खेला के वो यहाँ तक ले आया यहाँ से जीतेंगे आप लोग तो उसी वक्त हार गए थे जब आपने ये कुछ नहीं होता ये लपेट के गिर के बैठ गया एक साइड पे अपनी कुछ कह रहे हैं आपसे अपनी कुछ कह रहे हैं क्या कह रहे हो अपनी थोड़ा आपसे कह रहे हैं दोबारा करवाओ नहीं यार दोबारा क्यों ये पॉइंट गए यार जीत गए ये ज्यादती है दो पॉइंट जाएंगे इस्लामाबादी गर्ल्स के साथ नेक्स्ट गेम जल्दी से नेक्स्ट गेम आइए आइए जल्दी से अभी ये गेम उसी वक्त ओवर हो गया था जिस वक्त आपने ये एलईडी क्रॉस की थी ये गेम खत्म हो गया था वही मैं आपकी कैप्टन कह रही मैं तो उनको पॉइंट दे चुका हूँ वो दो पॉइंट चले गए उनके पास वो तो आप लोग शुगर में खेल रहे हैं वहाँ पर जाके यहाँ तक खींच लिया था उसने बहुत सारा जी इस्लामाबाद के साथ चले जाएंगे दो पॉइंट्स और इस्लामाबादी का इस वक्त आ गए हैं पांच पॉइंट पे इसी तरह तीन पॉइंट्स पर है पेशावर हॉक्स बारी किसकी है जी टॉस की आपकी बारी है बताइए हेड्स हेड इट इज आप लोग की टीम से कौन आएगा आइए 11 का रिकॉर्ड है मेरे ख्याल से किसी का आइए जल्दी से ये अंडों की टोकरी है इसमें अंडे फेंकने हैं नहीं अंडे हैं ही नहीं हमारे पास तो ये बॉल्स आपने जमा करनी है इस टोकरी के अंदर एक मिनट का टाइम होगा जितनी ज्यादा बॉल्स जमा कर लेंगे उतने ज्यादा चांस होंगे आपके पास आज यहां से एक पॉइंट जीतने का रेडी पेशावर ऑल द बेस्ट रेडी गो आगे आगे चन्नों की आंख में एक नशा है काल पे उसके दिल का निशान है चन्नों की आंख में एक नशा है काल पे उसके दिल का निशान है इस पे पुरुष की हया है ये दिल ले लिया है ये दिल बोले देखूं से तो दिल झूम 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 जाए चुनू से तो बोले हुए नजरे मिलाए धनिया घूम 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 जाए चाल फिर उसकी मतवाली आरी टाइम अप टाइम अप आपने स्कोर किया 1 2 3 4 5 6 नॉट बैड आइए जिस नामा से कौन आएगा ये तो आसान गेम है बिलाल अच्छा मर्जी है शहताज आप आओगे शहताज का कौन सा गेम है मुझे जल्दी से बताइएगा दूसरा गेम है आपका सात स्कोर करना है सिर्फ चलो भाई जल्दी से जो टीम में दोनों इकट्ठे खेल रहे होते हैं वो जल्दी 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 हाँ जी जो वो काउंट नहीं होता जो दोनों प्लेयर्स इकट्ठे खेल रहे हैं दो दो पॉइंट है ना आप अभी दो आई मीन उसमें गेम तो काउंट नहीं वो टीम गेम है वो टीम गेम है इंडिविजुअल गेम जितने हैं वो आपके काउंट होते हैं हर प्लेयर के अलग अलग रेडी गो उसकी जवानी में एक धड़पन है वो दिल भर जानी उस जैसा दुनिया में कहां रे हारे नजरे मिलाना सजना आए उसका यूं शर्माना हाथ लगाऊं बोले नारे नारे ओ नशा है काल पे उसके दिल का निशान है इस पे फिर उसकी हया है ये दिल ले लिया है ये दिल बोले चन्नों की आँख में एक नशा है One, two, three, four.
बाद तीन चार तीन सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह बहुत आला। मदीना ने सही कहा था, अंडों का कारोबार है इनका जरूर। 11 के बाद अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के 16 स्कोर कर लिया इस लड़की ने। एक पॉइंट जाएगा इस्लामाबाद इगल्स के साथ। बहुत आला गाइस, आइए नेक्स्ट गेम खेलेंगे जल्दी से। नेक्स्ट गेम क्या है लेकर आओ अभी। ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? ये कैसा कमबैक किया है इसका बिलाल ने? भाई म्यूजिक हो जाए, टॉस जीत, आओ जल्दी से भाई। पता नहीं क्या करके किया है, म्यूजिक पे ये कर रहा था, वो आंखें चार कर रहा था यार, पता नहीं सांप की आंखें चार कर रहा था या क्या कहना चाह रहा था, समझ में नहीं आया। आप तुम लोग बहुत आगे चले गए, अच्छा अच्छा जा रहे हो, बहुत आला। अच्छा जी ये आपकी टॉस की बारी है लैला जी, बताइए। टॉस आ रहे हैं जी, आपकी टीम से कोई आएगा? ये लो ये लो ये लो, आपकी टीम से कोई आएगा। गेम बड़ा आसान है, आप लोग खेल चुके हैं लेकिन अभी तक अटेम्प्ट किया है, जीता कोई नहीं है, लेकिन यहाँ जीते भी हैं लोग। शाहताज मेरे ख्याल से जीती है, 14 सेकंड में कर लिया, अच्छा खेल दिया शाहताज। चलो जी अभी यहाँ आई है पिशावर रॉक्स की तरफ से खेलने। ये गेम समझ में आता है, मैं सिखाऊं पहले एक दफा तुम्हें, पता है? चलो रेडी रेडी गो। नहीं नहीं यार बिना दिल मेरा नहीं लगता, चलो चलो यार बिना दिल मेरा नहीं लगता, यार बिना दिल मेरा नहीं लगता, प्यार बिना दिल मेरा नहीं लगता, ओ नहीं लगता, ओ नहीं लगता, ओ नहीं लगता, ओ नहीं लगता, प्यार बिना दिल मेरा नहीं लगता, प्यार बिना दिल मेरा नहीं लगता, प्यार बिना दिल मेरा नहीं लगता। टाइम आप अभी यहाँ तुमसे ना हो पाएगा, अभी शताज बताएंगे ये कैसे किया जाता है। ये बहुत मुश्किल गेम है, बहुत मुश्किल। एक मिनट का टाइम है तुम्हारे पास पूरा शताज, एक स्कोर करना है तुमने। रेडे बिलाल तुम कैमरे के सामने आओगे, पीछे कोई नजर नहीं आएगा, यहाँ खड़े हो जाओ तुम आगे। रेडे गो। कुछ मुझे यार की जुदाई मार गई, कुछ मुझे गैर की खुदाई मार गई, कुछ मुझे यार की जुदाई मार गई, कुछ मुझे गैर की जुदाई मार गई, 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 यार बिना दिल मेरा नहीं लगता, यार बिना दिल मेरा नहीं लगता, प्यार बिना दिल मेरा नहीं लगता, यार बिना दिल मेरा नहीं लगता। नहीं भाई इस गेम में शाहताज को रहना बहुत मुश्किल है। वेल डन साबात, क्या बात है। बंद कर रे बंद कर, ये यही कर रहा है, यही कुछ ऐसा नहीं नाचेगी ये। हाँ भाई नेक्स्ट क्या, जल्दी से गेम लेके रहो। इस गेम का एक पॉइंट था, ये भी किया इस्लामाबाद ईगल्स के साथ। मुझे जल्दी से दिखाइए जी स्कोर कार्ड, इस वक्त कौन सी टीम कहां कहां पहुंच गई है, दिखाइए। ओहो 3-0 था और 3 नंबर पे ऐसा रोका इस्लामाबाद ने पिशावर को कि खुद पहुंच गया 7 पे। आप लोग अभी भी 3 पे ही हैं, आप लोगों को बाउंस बैक करना पड़ेगा। गाइस क्या कर रहे हो, वेक अप, उठ जाओ, चलो भाई जल्दी से। ये तो अभिया का फेवरेट गेम है, लेकिन कल अभिया शायद पता नहीं जीती थी, कल जीती थी नहीं। चलो ले आओ भाई टॉस के लिए कॉइन चाहिए मुझे जल्दी से, पहले कॉइन तो ला दो। मारिए जी आपकी बारी है, बताइए। हमारा अच्छा टेल्स, टॉस आप लोग जीते इसलिए पहले खेलने आप लोग आएंगे। आइए भाई काशिफ साहब बीच में जल्दी से आइए, एक दफा सोशल डिस्टेंस रखिएगा सब लोग। काशिफ अच्छा उस्मान तुम बता दो,
ये जितनी वॉल्स हैं ये आपने वॉल्स इस तरह रखनी है कि बॉल को मारिया जी हर हर वॉल से टकराना जरूरी है। अगर ये किसी एक वॉल को मिस कर जाएंगी तो उसके बाद वो बॉल काउंट नहीं होगी। आपको इस बॉल का इन चारों वॉल से टकराकर इस बॉल के अंदर जाना जरूरी है। सही है जी, एक दफा आप ये बना लेंगी उसके बाद एक साथ आप 10-10 बॉल्स डालिए, 5-5 बॉल्स डालिए, अप टू यू। आइए जी, एक मिनट का टाइम होगा, इसको अंडू कीजिए। अच्छा, आप टॉस हारी हैं। हाँ हाँ, तो आप लोग पहले खेलेंगे, आप लोग बाद में। हम लोग पहले खेल लेते हैं, she's feeling not well actually, हम लोग पहले खेल लेते हैं। ऐसा गेम गेम में क्या है ऐसा, आप खेलो, हम लोग हम खेल लेते हैं पहले। आज पक्का? चलो आप लोग खेलो, she's not well। चलो भाई, रेडी गो। होले होले मेरा दिल ये डोले, रोकू इसको पिए बोले, होले होले मेरा दिल ये डोले, रोकू इसको पिए बोले। दिल चाहे मेरा तू प्यास बुझाने आत जा, तू ही मेरा अपना डोलना, जरा मुझसे हंस के बोलना, तू ही दिल भर खिड़की खोलना, अब जरा हो मैं तू रोलना, तू ही मेरा अपना डोलना, जरा बोलना, तू ही दिल भर खिड़की खोलना, अब जरा हो मैं तू रोलना। कहाँ ढूंढूं तुझे मैं, साए में या धूप में, कहती हैं प्यासी ये सांसें। टाइम आप, ये काउंट नहीं होंगे। आप एक बाहर बॉल जा रहे हैं, उसको वापस यहाँ पे किया कर सकते हैं। Is that all right? यहाँ से आप जहाँ भी स्टार्ट करेंगे, यहाँ कहीं फंस जाएगा वो कर सकते हैं। वो अंदर इनसाइड इनसाइड यहाँ से टकरा कर गया था। इधर 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 आया वो, ये वो ये। अच्छा, खैर, अगर यहाँ से स्टार्ट होके बॉल कहीं भी जा रहा है आप लाके उसको यहाँ से दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। जो बाहर चारों वॉल से टकराना जरूरी है, बस ये याद रखिएगा। अच्छा, बॉल का यहाँ वाला अगर फंस कर यहाँ गया, चलिए यहाँ से आके गया होगा, यहाँ से आके गया होगा, यहाँ से आके यहाँ गया, उन्होंने दोबारा यहाँ छोड़ दिया। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। चारों वॉल से टकराना जरूरी है। स्कोर बताइए जी क्या है इनका। उस्मान, इसको अंडू कीजिए जल्दी से। क्या कितना 100-2 से स्कोर कर दिया क्या? स्कोर किया पिशावर ने, वेल डन पिशावर। अच्छा जी, नीचे भी पड़े वो पीछे बॉल्स पड़ी है वो भी उठा लीजिए। अच्छा, याद रहे इन्होंने सारी बॉल्स डाल दी है, इनकी 3 बॉल्स नीचे गिर गई थी। आज हो सकता है ये 3 बॉलें ही आपको जिता दी। बस याद रखिएगा, कुछ नीचे नहीं गिरना चाहिए। 71 स्कोर किया है पिशावर ने, 72 आपने करना है एक मिनट में। कैप्टन आप खुद खेल रहे हो तो 2 पॉइंट्स के लिए खेलेंगे आप। आप 2 पॉइंट्स के लिए खेलेंगे। रेडी रेडी गो। लैला अभी तरह देखो। कहाँ ढूंढूं तुझे मैं, साए में या धूप में, कहती हैं प्यासी ये सांसें, आजा किसी रूप में। अब कहाँ ढूंढूं तुझे मैं, साए में या धूप में, कहती हैं प्यासी ये सांसें, आजा किसी रूप में। आंखें ये बोले मेरी प्यास बुझाने आप जा, तू मेरा अपना डोलना, जरा मुझसे हंस के बोलना, कभी दिल भर खिड़की खोलना, मुझे राहों में तू रोलना, तू ही मेरा अपना डोलना, जरा मुझसे हंस के बोलना, कभी दिल भर खिड़की खोलना, मुझे राहों में तू रोलना। होले होले मेरा दिल ये डोले, रोकूं इसको फिर भी ये बोले, इसमें से भी तकरीबन 4 काउंट्स नहीं होंगे और नीचे बहुत सारी गिर गई थी, फिर भी काउंट कीजिए जी। 71 का स्कोर था, 72 अगर होगा तो ही ये पॉइंट जाएगा, वरना ये पॉइंट जीत गई है अभिया जी पेशावर हॉक्स के लिए। इसमें से 5 काउंट नहीं होंगी। हाँ भाई बिलाल, क्या कहते हो इस गेम के बारे में? अभिया खेलने आए, अभिया ने हराया आके, खुश हो जाया करो, किसी की खुशी में खुश हो जाओ तुम। हाँ। का कुछ बोल ही नहीं रहे तुम तो यार, वो अंदर ही अंदर खुश हो रहा है। पता नहीं ये लोग 40 दिन एक दूसरे के साथ रहे। 24 दिन 40 दिन 30 दिन 30 दिन साथ रहे हो तुम लोग,
फिर भी आपस में कोई ना कोऑर्डिनेशन है ना कोई दोस्ती है। तुम लोग लड़ते क्यों हो? पता नहीं क्यों। जी और बिलाल को एक दूसरे से ना नफरत है ना कुछ है, बस समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ बातें ऐसी होती है जिनकी वजह से फिर ना गुस्सा आ जाता है एक दूसरे पे। अच्छा, हम दोनों को अपना अपना गुस्सा संभाल के रखिए। स्कोर किया है इस्लामाबाद ने 57, तो ये पॉइंट जाएगा पेशावर हॉक्स के साथ। इसी नोट पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। 7 पॉइंट्स पे है इस वक्त इस्लामाबाद ईगल्स, तकरीबन 5 पॉइंट्स पे पहुंच चुकी है पिशावर हॉक्स। बड़ा ही कांटेदार मुकाबला है, कहीं जाइएगा नहीं। मिलके बोलेंगे मेरे साथ गेम शो ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा गेम शो, ऐसे बिल्कुल वैसे ही चलेगा जहाँ इस लड़ाई को गर्मा गर्मी को छोड़ के गए थे, वहीं से शुरू करते हैं। हाँ भाई, बहुत बातें कर रहे थे ये लोग, आज तुमने एक पॉइंट जीत लिया है पिशावर हॉक्स। मुझे जल्दी से दिखाइए सर पॉइंट्स टेबल में कहाँ कहाँ हैं दोनों टीम्स। 10 पॉइंट के साथ अभी भी आ गए हो, तुम लोग घबराने की बात नहीं है। दिखाइए जी, 7 है। ओ नहीं 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 नहीं, 7 पॉइंट्स है इस्लामाबाद ईगल्स के और 4 पे आ चुके हैं पिशावर हॉक्स। अब सिर्फ 3 पॉइंट्स का फर्क रह गया है गाइस। अरे कभी ज्यादा हो तो उसको मैं हौसला अफजाई भी कर दूं, उसको डराते रहते हो जबकि हमारे मुल्क का स्लोगन है कि घबराना नहीं है, तो ये डराते रहते हो। ये किसी से डर सकता है आदमी? ये गलत बात है ना, हमें जीत भी रहा है वो और तब भी तुम कह रहे हो जीतो जीतो, यहाँ से 2 पॉइंट जीत के जाओ। लेकिन जीतते जीतते जो तुमने बातें की है ना वो पूरी करके जाना। मैं तो ये कर दूंगा, गेम में मुझे बुलाए मैं यूं कर दूंगा और वो कर दूंगा और ये कर दूंगा। अभी तक किया कुछ नहीं है सिवाय डांस करने के अलावा तुमने। तो कोई ऐसा डांस करके दिखा दे, चलो चैलेंज। चलो नहीं वो क्यों है, कोई और करके दिखाए ना वैसा। आ जाओ, नहीं नहीं कोई और करे ना। अब देखिए आप लोग, जल्दी से जल्दी से आप मुकाबला करेंगे, मुकाबला हो गया आज, हो जाए। आता ही नहीं, उसको करने ही नहीं आता। तुम अच्छा कर रहे हो ना, तो उसको बताओ तो ये कौन सा स्टेप है? नहीं करते ये स्टेप कौन सा? इब्राहिम बताओ, हम कॉपी भी नहीं करते। ये स्टेप बिलाल का, समझ में आई तुम्हारे? ये स्टेप आज से पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया। ये घर जाके प्रैक्टिस करा, हम लोग कॉपी नहीं कुछ करते। चलो भाई नेक्स्ट गेम, नेक्स्ट गेम क्या है ले आओ भाई। ओहो टिक टैक टो, ये भी 2 पॉइंट्स का गेम है क्योंकि ये मुकाबला है इब्राहिम का बिलाल से और अबीहा का शाहताज से। याद रखिए पूरी टीम खेलेगी, इसलिए 2 पॉइंट्स का गेम है ये भी गाइस। 2 पॉइंट्स जीतेगी जो भी टीम जीतेगी, एक एक भी जीत सकती है। गेम बड़ा आसान है ये, टिक टैक टो आप लोगों ने बचपन में जरूर खेला होगा। आप लोगों ने लाइन बनानी है, वो वर्टिकल बना सकते हो, हॉरिजॉन्टल बना सकते हो या डायगोनल भी बना सकते हो। कैसे? वहां पर क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस वहां पर है। मैं बोलूंगा रेडी गो, फौरन आना है आपने अपने क्वेश्चंस लेकर और एक एक राउंड में प्रॉपर तरीके से इस तरह फेंकना है। एक दूसरे को रोकना भी है, जैसा कि काशिफ ने नहीं रोका और ये जीत गए और उस्मान जीत गए। अच्छा दोनों कैप्टन्स वही रहेंगे, आप लोग सामने आते हैं वो ब्लॉक कर देता है कैमरा को, आप वहीं से बोलोगे, पीछे रहेंगे, पीछे बस वहां से बताएंगे, आप भी यहां से बताओगे। चलो रेडी हो, अपनी जगह पे जाइए, पहले करीब कीजिए उसे, करीब कीजिए, साथ साथ खेलते हैं दोनों, करीब करो थोड़ा, करीब करो, बस सही सही बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ तुम थोड़ा सा करीब करो, थोड़ा सा करीब करो, बस 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 बिल्कुल सही है, बराबर हो गया, बराबर हो गया, ठीक है रेडी गो। कहाँ फेंक रहे हो, कहाँ फेंक कर रहे हो, तो बाहर जा। और आप कहती है मैं इसे अप्रिशिएट करूं, ये सबसे पहले जीत गया था ये रेड वाला, अगर यहाँ फेंक देता, ये 2 बार किया, एक दफा यहाँ रेड फेंक दिया, एक दफा वहां फेंक दिया और ये पॉइंट जीता है इब्राहिम ने। बहुत आला इब्राहिम, वेरी गुड।
लगाया ना इब्राहिम की पसंद का गाना, देखो चेहरे पर ये खुशी आ गई इसके। चलो जी शाहताज वर्सेस अबिया। अच्छा एक मिनट, ये जगह मेरी है तो मुझे जरा कैमरे में आने दे। यहाँ रहिएगा, रेडी, सीधे खड़े हो जाओ दोनों, रेडी गो। उधर 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 जाइए, उधर जाइए, उधर जाइए, दोनों बराबर। दोबारा 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 दोनों दोनों बिल्कुल बराबर है। लैला जी मैं आपसे कह रहा हूँ वहां रहिएगा, आप अगर आप यहाँ आए ये पॉइंट मैं दे दूंगा इस्लामाबाद। चलिए रेडी, एक मिनट सीधे खड़े जाएं दोनों, रेडी गो। लैला जी वहां जाइए, शाहताज जीत गई, तुम्हारा बाहर चला गया था भैया, बिल्कुल ही बात। और ये एक पॉइंट जीता है इस्लामाबाद ईगल्स ने, इस तरह एक पॉइंट पिशावर के पास गया, एक पॉइंट इस्लामाबाद। पता नहीं क्यों से देख के मुझे स्ट्रीट फाइटर याद आ जाता है जब तुम्हें देखता हूँ, ये ज्यादा हदूकिन। ला भाई जल्दी से नया गेम जल्दी से लेकर आओ, कौन सा है? ये तो एक एक बहुत आला खेल रहे हो इस्लामाबाद भी, और बहुत अच्छा खेल रहे हैं पिशावर, और एक दूसरे को आगे नहीं निकलने दे रहे। हाँ हाँ, और उसके दिल में चोट है। ओ माय गॉड, दुखी है वो भी। वो चोट, ओ माय गॉड, वो चोट तो तूबा ने लगाई है ना। अरे तूबा कहाँ से आ गई, तूबा थोड़ी है, अभी आके उस जख्म को खोल रही है। नाम ना ले उनका, ना उनका, उन मतलब के उनका नाम ना ले आप, किसी का भी नाम ना लो, किसी का भी। देख लिया अभिया, इसको नाम लेना इतना बुरा लग रहा है, हद हो गई यार बिलाल। प्यार है यार। ला भाई नेक्स्ट गेम क्या है? आप मना करें उनका नाम ना लें आप। हाँ तो उनका ही कहूंगा ना, और किसका? आप बोले भाई आप तूबा का नाम ना लो, हमारे साथ चैंपियंस में थी, हमें नहीं पसंद। हाँ और क्या, हमें नहीं पसंद उनका, तो क्या है यार, प्यार किया तो डरना क्या। चलो जी अभी अगर मेरी बात, ये है सबसे मुश्किल गेम, मुझे लगता है बैलेंसिंग में सबसे मुश्किल गेम यही है। लैला जी बताइए, हेड्स टेल्स, आप लोग हारे हैं, आप लोग आएंगे पहले, आइए। अच्छा एक आइए आइए जल्दी से, एक मिनट का टाइम होगा, बैलेंस करके कप्स की जो एक एक तरफ बिल्डिंग बना लेगा वो जीत जाएगा। रेडियो, ये डिपेंड करता है तुम दोनों की आपस की कोऑर्डिनेशन में। पहले तो इसको बैलेंस करके खड़ा करें, ठीक है? ये इनको पता है, नहीं पता ना कल ये तो कोऑर्डिनेशन करनी है दोनों ने आपस में, इस तरह कि वहाँ तुम ज्यादा कफ्स ना रखो, इसी तरह अभी तुम ज्यादा कफ्स यहाँ ना रखना। चलो रेडी, एक मिनट का टाइम है, लैला जी थोड़ा आइएगा, रेडी गो। टाइम आप, तुम लोगों ने तीसरे के लिए ट्राई क्यों नहीं किया? इसलिए कि नहीं, हमें नहीं पसंद, बस ठीक है, दो ही ठीक है, मर्जी है, तीन बहुत आराम से होते हैं वैसे। तीन क्यों टू आएगा? दोबारा इसको तीन क्यों टू। अच्छा भाई अब तुम लोगों के पास चांस है, अगर तुम तीन कप्स रख दोगे तो यहाँ से दो पॉइंट्स जीत जाओगे, अगर तुम लोगों ने भी दो रखे तो ये दो पॉइंट्स जाएंगे आपके पास, दो पॉइंट्स जाएंगे आपके पास, गेम बराबर हो जाएगा। एक मिनट का टाइम है गाइस, इस्लामाबाद ऑल द बेस्ट, रेडी गो। समझी सजना दे डूंगे इशारे नी, कलिया रह के ना होंदे गुजारे नी, रांझा आया है तेरे दुआरे नी, चौकी बन के ओ तैनो पुकारे नी, निहीरे निहीरे कड़ी ना कदी सजना नू, निहीरे निहीरे भुली ना कदी सजना नू, निहीरे निहीरे कड़ी ना कदी सजना नू, निहीरे निहीरे मन भुली ना कदे, निहीरे निहीरे भुली ना कदी सजना नू, निहीरे।
टाइम अप। और इन्होंने भी किया दो स्कोर, पेशावर हॉक्स ने भी किया दो स्कोर। इस तरह ये दो दो पॉइंट जाएंगे दोनों टीम्स के साथ। बहुत आला। अच्छा गड़बड़ कर दी थी भाई ने, बड़ा सब गिरा दिया था, फिर जल्दी से वापस आया है भाई। चलो भाई ये दो पॉइंट्स गए इस्लामाबाद के पास और दो पॉइंट्स गए पेशावर हॉक्स के पास। जल्दी से नया गेम लेकर आइए, जब तक ये नया गेम आ रहा है तो कुछ हो जाए यारो। तुम्हारे हैं कहो एक दिन, क्या बात है। तुम्हारे हैं कहो एक दिन, कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है। क्या बात है यार, एक दफा मेरी टीम के लिए बहुत सारी तालियां हो जाए। वेल डन गाइस, शाबाश, लव यू, लकी, वेरी वेल डन। टॉस है मारिए जी, आप बहुत अच्छा आप गाते हैं और ये तो मेरा फेवरेट सॉन्ग है। टेज, आप लोग टॉस जीते हैं इसलिए अब गेम है टंग ट्विस्टर्स। मैं तीन आपसे पूछूंगा, तीन आपसे पूछूंगा, एक एक गलती की गुंजाइश है। याद रहे ये गेम भी दो पॉइंट्स का है। सबसे पहले आपकी टीम में कौन बोलेगा? ये आप बोलेंगे, आसान दीजिएगा। बहुत आसान है आज के टंग ट्विस्टर्स, आज के टंग ट्विस्टर्स बहुत आसान है, आप लोगों को बड़ा मजा आने वाला है। तो पहला है लालू खेत के लालू के लाल के गाल लाल लाल। हाँ हो सकता है, ऊंचा बोलो। लालू के लाल, लालू खेत के अलाल कौन है? लालू खेत के लाल के लाल गुलाब, लाल गुलाब नहीं है। दिखा दो। लालू खेत के लालू के लालू के लाल के गाल लाल लाल, लालू खेत के गाल लाल लाल, लालू खेत के लालू के लाल के गाल लाल लाल। चलिए बस हो गया काफी, लालू के लाल के, चलो लाल निकाल दो। लालू खेत के लालू के गाल लाल लाल, लालू खेत के लालू, सात दफा बोल रहे हैं। लालू खेत के लालू के गाल लाल लाल, एक मिनट, रेडी रेडी गो। लालू खेत के लाल के गाल लाल लाल, लालू खेत के लाल के लालू खेत के लाल के गाल, गलती हो गई, गलती हो गई। लालू खेत के लालू के गाल लाल, बस लाल नहीं है, लाल नहीं है। पहले बोलो, लालू खेत के लालू, लालू खेत के लालू के लाल गाल गाल के लाल के गाल यार में वो, मुझे सुनो मैं सुना रहा हूँ। लालू खेत के लाल, लालू खेत के लाल के लाल नहीं है, लाल नहीं है, लालू के लालू के लालू, बता रहा हूँ सुन लो मेरी बात। लालू खेत के लालू के गाल लाल लाल, एक मिनट बोल के दिखाता हूँ। लालू खेत, लालू खेत के लालू के लाल गाल नहीं गाल लाल लाल, लालू खेत के लालू के गाल लाल लाल, बस ये बिल्कुल तुम्हारी तरह रेडी। लालू खेत के लालू के गाल लाल लाल, रेडी गो। लालू खेत के लालू के गाल लाल लाल, 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 लालू खेत के लालू खेत के लालू के गाल लाल लाल, लालू खेत के लालू के गाल लाल लाल, लालू खेत के, बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, नॉट इवन यू लैला। मैं सुन रहा हूँ, उसके थोड़ा सा लिस्ट की प्रॉब्लम है, वो मैं काउंट नहीं करता, गलती वहाँ होगी जहाँ वो कुछ भूल जाएगा। सही है, हम उस पर नहीं बोलेंगे जो तुम लिस्ट करते हो, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 दफा कर सकते हो। और वहाँ से भी कोई नहीं हंसेगा ना किसी की आवाज़ मुझे आएगी, तो मैं दोबारा चांस दे रहा हूँ, तीसरा चांस नहीं दे रहा। आप बीच में बार बार बोल रहे हो उसको, आप ना बोलो, मैं देख रहा हूँ ये गेम, मैं खिला लूंगा उसको। रेडी गो। लालू खेत के लालू के गाल लाल लाल, 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 लालू खेत के लालू के गाल लाल लाल। बिल्कुल सही, बहुत आला, बेहतरीन, वेल डन, शाबाश। चलिए जी बारी है पेशावर हॉक्स की, कौन बोलेगा? मैं बोलूंगी, पक्की बात है, सोच लो जी। ये हाँ, है सारे सारे बोल के देता। जापान जा, पहुंचना हमने कहीं नहीं, पानी पी
जापान जा पान खा, जापान जा पानी पी, जापान जा पान खा, ये है। रेडी रिवाइज कर लो, जापान जा पानी पी, जापान जा पान खा, सही है। रेडी गो, जापान जा पानी पी, जापान जा पान खा, 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 जापान जा पानी पी, जापान जा पान खा। बिल्कुल सही पिशावर रॉक्स, वेल डन, बहुत आला। अच्छा जी, अब आपकी बारी है। शिकार करने शिकारी गए, शिकार होके शिकारी आए। शिकार करने शिकारी गए, शिकार होके शिकारी आए। शिकार करने शिकारी गए, शिकार होके शिकारी आए। बिल्कुल सही। रेडी गो, एक गलती, सॉरी, रेडी गो। शिकार करने शिकारी गए, शिकार होके शिकारी आए। शिकार करने शिकारी गए, शिकार होके गलती हो गई। शिकार करने शिकारी, यहाँ रुक गई, देखें ये गलती होती है। शिकार हो गए, सही है, ये गलती होती है, ये गलती हो गई आपकी। दोबारा दोबारा दोबारा। शिकार करने शिकारी गए, शिकार करने शिकारी गए, शिकार होके शिकारी आए। शिकार करने शिकारी गए, शिकार होके शिकारी आए। रेडी गो। शिकार करने शिकारी गए, शिकार होके शिकारी आए। शिकार करने शिकारी गए, शिकार होके शिकारी आए। शिकार करने शिकार गए, शिकारी होके। गलती हो गई आपकी, गलती हो गई, ये गलती हो गई आपकी। आपका चांस है जी, इन्होंने अपना चांस गवा दिया है। वन वन, बारी है इब्राहिम की। रेडी इब्राहिम, छोटा गेंडा, मोटा गेंडा, बैठा गेंडा, लेटा गेंडा। छोटा गेंडा, मोटा गेंडा, मोटा गेंडा, बैठा गेंडा, बैठा गेंडा, लेटा गेंडा, लेटा गेंडा। छोटा गेंडा, छोटा मोटा बैठा लेटा, छोटा मोटा बैठा लेटा, छोटा गेंडा, मोटा गेंडा और लेटा गेंडा, बैठा गेंडा, बैठा गेंडा पहले फिर लेटा गेंडा, बैठा गेंडा फिर आखिर में लेटा गेंडा, सही है। छोटा मोटा बैठा लेटा, छोटा छोटा गेंडा, मोटा गेंडा, बैठा गेंडा और लेटा गेंडा, बिल्कुल सही है। लेकिन इब्राहिम तेज बोल रहे हैं, दोबारा बोलो एक दफा। छोटा गेंडा, मोटा गेंडा, बैठा गेंडा, लेटा गेंडा, बस तीसरा याद रखो, बैठा गेंडा, बैठा गेंडा, बैठा गेंडा, ओके। रेडियो, लेटा गेंडा, बैठा गेंडा, यही है ना, बैठा गेंडा और लेटा गेंडा, लेटा गेंडा, फिर एंड में लेटा गेंडा। चलिए रेडी, रेडी गो। छोटा गेंडा, मोटा गेंडा, बैठा गेंडा, लेटा गेंडा। छोटा गेंडा, मोटा गेंडा, बैठा गेंडा, लेटा गेंडा। छोटा गेंडा, मोटा गेंडा, बैठा गेंडा, लेटा गेंडा। गलती हो गई, बैठा गेंडा गलत बोला तुमने, ये क्या बैठा गेंडा, बैठा गेंडा, छोटा गेंडा, मोटा गेंडा, बैठा गेंडा, लेटा गेंडा। छोटा गेंडा, मोटा गेंडा, बैठा गेंडा, लेटा गेंडा। छोटा गेंडा, मोटा गेंडा, लेटा गेंडा। गलती हो गई, तीन चांस दिए थे उधर भी, उसकी वजह आप थी। चलो कोई बात नहीं, इस दफा भी मुझे ही वजह बना ले। इसकी लैंग्वेज प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम, लैंग्वेज प्रॉब्लम है ना जी, आपके लिए दे दिया चांस। चलो बोलो बोलो, रेडी गो, रिवाइज कर लो, ये लास्ट क्या है। छोटा गेंडा, मोटा गेंडा, बैठा गेंडा, लेटा गेंडा। शाबाश, चलो रेडी गो। छोटा गेंडा, मोटा गेंडा, बैठा गेंडा, लेटा गेंडा। छोटा गेंडा, मोटा गेंडा, बैठा गेंडा, लेटा गेंडा। छोटा गेंडा, मोटा गेंडा, गलती हो गई, कोई बात नहीं। और वन वन, दोबारा एक बार हो गया जी। बारी आ गई है आपके पास, कौन बोलेगा? कोई बात नहीं, आप बोलेंगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, देख भी लेना। क्या बात, अड़ोड़ा मड़ोड़ा मकोड़ा, नहीं, अड़ोड़ा मड़ोड़ा मकोड़ा पकोड़ा, दिखा दो। अड़ोड़ा मड़ोड़ा मकोड़ा पकोड़ा, अड़ोड़ा मड़ोड़ा मकोड़ा पकोड़ा, अड़ोड़ा मड़ोड़ा मकोड़ा मकोड़ा, दो एम नहीं, दो मीम है ना, अड़ोड़ा मड़ोड़ा मकोड़ा पकोड़ा, मड़ोड़ा मकोड़ा, बिल्कुल बोलो बोलो ऊंचा, पकोड़ा, अड़ोड़ा मड़ोड़ा मकोड़ा पकोड़ा, बिल्कुल सही, मड़ोड़ा मकोड़ा पकोड़ा। रेडी, गलती गुंजाइश है, रेडी गो। अड़ोड़ा मड़ोड़ा मकोड़ा पकोड़ा, अड़ोड़ा मड़ोड़ा मकोड़ा पकोड़ा, अड़ोड़ा मड़ोड़ा पकोड़ा, गलती हो गई है, मकोड़ा पकोड़ा, आराम से करना, तुम स्पीड ना तेज करना, मकोड़ा पकोड़ा स्लो है। अड़ोड़ा मड़ोड़ा मकोड़ा पकोड़ा, 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 बिल्कुल सही,
बिल्कुल सही, बहुत मुश्किल था ये वाकई, बहुत आला जी, जबरदस्त। अब 2-1 हो चुका है, बारी आपकी है, आप अटेम्प्ट करेंगे। चलिए, पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, एग्जैक्टली। चलिए, 7 दफा बोल रहा है, एक गलती की गुंजाइश है। पिशावर रॉक्स आसान है, रेडी गो। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, 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 पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। बिल्कुल सही, बहुत आला पिशावर, 2 अटेम्प्ट किए हैं, बिल्कुल सही पिशावर ने, उसी तरफ 2 अटेम्प्ट किए हैं, बिल्कुल सही इस्लामाबाद ईगल्स ने, इसलिए 2 पॉइंट जाएंगे पिशावर के साथ, 2 पॉइंट जाएंगे इस्लामाबाद के साथ। बहुत आला, पॉइंट टेबल दिखाइएगा जल्दी से मुझे, कौन सी टीम कहां कहां पहुंच गई है, मुकाबला गर्म होता जा रहा है जनाब जी। ओहो, 12 और 9 दोनों डांस करने आएंगे, आइए आ जाओ जल्दी से आ जाओ। हाँ जी, अब क्या टीम बचाएंगे जब दोनों आ रहे हैं, तो दोनों आ गए भाई, चलो चलो। मैं खुद करना चाहता हूं लेकिन मैं करूं क्या, मुझे समझ में नहीं आता मैं करूं क्या, ये और ये भी है। ले भाई नेक्स्ट गेम क्या, जल्दी से आओ ना फिर मार्केट में, ये गेम लेकर आया करो ना, इस गेम का नाम है स्पॉट्स, ये एक पोजीशन है, ये नंबर आप इस तरह बैठना, इस तरह बैठना है, और आज अभिया अभी तक ये गेम नहीं हारी किसी भी लड़की से, आज मुकाबला है असल में शाहताज का और अभिया का, देखते हैं कौन किसको पिछाड़ता है। इब्राहिम का मुकाबला है बिलाल के साथ, आ जाओ भाई जल्दी से, ये गेम भी 2 पॉइंट्स का है, ये 2 पॉइंट्स हमेशा, आइए आइए जल्दी से आइए। बिलाल साहब घर में प्रैक्टिस करते हैं आप इसकी, हैं तो किया करो ना, पॉइंट दी जाइए तुम्हें, हमें ये 2 पॉइंट्स, 2 मिनट की कम से कम। आप आ जाती है ना सामने, मेरा दिल चाहता है आप यहाँ खड़ी हूँ, मैं बाहर चला जाता हूँ, आप अच्छा फिर ठीक है, रेडी रेडी गो। ये बात अभी हाँ बैठो बैठो बैठो, तंग न कर तंग न कर। तू सामने तू होवेगा पतला लक मेरी जान रोवेगा, जब तू सामने तू होवेगा मेरी मारना जा भी बेकार बबुआ, ओ बबुया ओ पप्पू भाई। हाय भाई, ये गाना आपके लिए गाया पप्पू यार, तंग ना कर, और पप्पू यार ने तंग कर दिया, ये 2 पॉइंट गए पिशावर रॉक्स के साथ। आज आज इब्राहिम आ जाते हैं, बात 2 पॉइंट्स गए। अब दिखाइए मुझे सोशल मीडिया के स्टैट्स क्या कह रहे हैं, ये जो इनके फैंस हैं, ये जो इनके लाखों फैंस हैं, वो कहां हैं, इनके लिए वोट्स कर भी रहे हैं या नहीं, जल्दी से दिखाइए मुझे स्टैट्स जनाब। ओहो नहीं भाई, पिशावर वालों से बहुत प्यार करते हैं फैंस, आगे ही आगे जा रहे हैं, 52% 47% लव यू फैंस एंड फ्रेंड्स, लव यू थैंक्स करो, पश्तो में बोलो इब्राहिम, आप भी बोलो, आप भी बोलो, आप कुछ बोल रही थी कल भी, मैं बोलूंगी, बोले तासो तो ना गुजारिश दे मुंगा वोट कई मुंगा ते सपोर्ट वकई, अगर आप लोग चाहते हम जीते तो एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म YouTube, Twitter, Instagram, WhatsApp, हर जगह हमारे लिए कमेंट्स कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, #गेम शो ऐसे चलेगा लीग #पेशावर हॉक्स। बेहतरीन, तुम फ्रेंच में बोल दो, फ्रेंच
नहीं हमें वोट करो प्लीज, हम भी बैठाना। ओके तो बोलो ना, बोलो बोलो बोलो, हम उर्दू ही बोलेंगे, उनको उर्दू बोलना नहीं चाहिए। दोनों दोनों भाई, बिलाल के फैंस बिलाल को वोट करें और मेरे मुझे वोट करें प्लीज, इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर यूट्यूब। और बिलाल तुम बोल दो, अमी तुम्हारे के भालोबाशी बोल दो, अमी तुम्हारे के भालोबाशी। क्या चलो जी नेक्स्ट गेम, क्या जल्दी से लेके रहो एक्टिंग। और जी ये दो पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसके जज मेरी पूरी टीम होती है जो मिलके जज करती है कि किसने बेहतर परफॉर्मेंस दी है। पहले मैं टॉस, अच्छा टॉस आप करें, बताइए हेड्स टेल्स, टॉस हारे हैं आप लोग टॉस जीते हैं, इसलिए पहले सिचुएशन दूंगा मैं आप दोनों को, बस आपकी किस्मत देखिए। ये मैंने घुमाई और ये मेरे हाथ में कोई भी सिचुएशन आ गई है। अच्छा जी, नर्स इंजेक्शन लगा रही है, मरीज नहीं लगवा रहा, उसे डर लग रहा है, डॉक्टर साहब आएंगे चिड़िया चिड़िया दिखाएंगे और लगा देंगे आखिर में। आप डॉक्टर साहब हैं, मरीज सुमो और मैं डॉक्टर हूँ। आप बोलेंगे वो देखो चिड़िया। ओके चलो शाबाश, आ जाओ मेरे फ्यूचर के हीरोज हीरोइन, आ जाओ टीवी ड्रामास में बेस्ट जाने इन्होंने। बेटा लाइट में आ जाओ, आ जाओ अभी उधर जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। इब्राहिम यहाँ पर आओ, इब्राहिम लाइट में आओ, लाइट में आओ। ये याद रखिएगा पेशेंट है, ये नर्स हैं जो इन्हें इंजेक्शन लगाने आई हैं, ये बहुत डरते हैं। लेकिन ये कहाँ लगा रही है इंजेक्शन, ये ऐसे बाजू पे लगा, बाजू पे लगाते हैं मर्दी, और क्या लगाना है आपने, बाजू पे ही लगाना है। चलिए बाजू पे इंजेक्शन लगाना है, याद रखिए जो डरता है, जिसको इंजेक्शन से डर लगता है उसकी खास एक्टिंग होती है, वो होनी चाहिए। रेडी चलिए भाई, अब आपने इंजेक्शन नहीं लगाया, जो भी आप लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, कलवारियां मार सकते हैं, पूरा फ्लोर आपका है एक्टिंग के लिए। रेडी गो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक। और कल आपने मेडिसिन ले ली थी? हाँ मेडिसिन ली थी। मैंने सुना कल रात आपको बहुत तेज फीवर हो गया था। बहुत। मैं इसलिए कहती हूँ अपना ख्याल रखा करें, देखें क्या हालत हो गई। अभी देखें मैं आपको इंजेक्शन लगाऊंगी, बिल्कुल ठीक। नहीं नहीं इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसा चूंटी ने काटा है, नहीं नहीं होता, यकीन मानो आप, मैं इंजेक्शन मत लगा, आप मेरा यकीन मानिए, मैं आपको बहुत प्यार से लगा, मेडिसिन दे दो, मेरा हाथ बहुत हल्का है सर, छू के गुजर जाएगा आपको पता। नहीं नहीं मेडिसिन दे दो सर, यकीन मानिए बिल्कुल मलाई जैसा हाथ है, आप थोड़ा सा ऐसे कीजिए सर प्लीज, मेरी बात तो मुझे रोना आ रहा है, तो आप रो लीजिए, मैं आपको अपना पल्लू देती हूँ, आप मेरे पल्लू से रख के रो लीजिए। नहीं नहीं इंजेक्शन लगवा लीजिए सर प्लीज, आप आप मेडिसिन दे दो। देखिए मैं आपसे कितने प्यार से बात कर रही हूँ, ये आपकी सेहत, प्यार मम्मी भी करती है, आप क्यों कर रही हो? तो मैं आपको बहनों वाला प्यार दे रही हूँ ना, नहीं ये वाला प्यार नहीं चाहिए ना, आप मेडिसिन दे दो। डॉक्टर आ गए, डॉक्टर मांग रही है, वो प्यार मैं आपको दे नहीं सकती, तो मैं आपको बहुत अच्छी हूं। इब्राहिम बेटा कैसे हो, ठीक हो? तबीयत बेहतर है जी जी। इंजेक्शन नहीं लगवा रहे डॉक्टर? अरे बेटा क्यों इंजेक्शन क्यों नहीं लगवा रहे? मैं ये कह रही हूं मैं डर रहा हूं। नहीं 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 देखो इंजेक्शन नहीं होता, ये बता दीजिए अभी है, आंखें बंद करूंगा दर्द बच्चा होगा है, छोटा है डर रहा है घबरा रहा है, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। नहीं नहीं मैं आंखें बंद नहीं करूंगा। अच्छा अच्छा वो देखो वो क्या है उधर, देखो वो देखो, नहीं वो मुझे नहीं दिख रहा, नहीं वो देखो तो सही नहीं दिख रहा। अच्छा ये देखो तुम जल्दी, मुझे इंजेक्शन दिख रहा है, गोली चाहिए ना? नहीं गोली नहीं चाहिए, मेडिसिन देखो वो देखो देख ली। बड़ी चालाक है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर अगर कोई नर्स होती और बिलाल को इंजेक्शन लगाना होता तो क्या होता। ये तो चिड़िया भी नहीं देखता क्या? नहीं यार नहीं ये गलत बात है, ये देखो आप लोग हार रहे हो तो पर्सनल अटैक, हम लोग हार रहे हैं तो पर्सनल अटैक, ये बुढ़ापे का मजाक उड़ा रही हूँ, दिस इज वो ये कहते हैं कि अभी आपको तो चश्मे की जरूरत है, तो मैं तो उनकी बॉडी पे अगर गई हूँ तो इट्स ओके, बॉडी यार बॉडी शेमिंग तो नहीं, नहीं मैम तो वो मेरी आंखों पे भी जाते हैं, आप पूछे ऐसे आंखों की चीजें कह रहे हो यार। अच्छा चलो बिलाल की सिचुएशन निकली है, सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए, बिलाल आपकी सिचुएशन है गौर से सुनिएगा। शरारती बच्चा, मुझे मोबाइल चाहिए, आपको मोबाइल चाहिए, बहन कोई जरूरत नहीं है, पहले इंटर कर लो फिर लेना। अभी ये 7 या 8 क्लास में है या 9 में होंगे मैक्सिमम, और आप इनकी बड़ी बहन है, ये जिद पकड़ के बैठ गया, इसको मोबाइल चाहिए। अब तुमने पूछना है भाई मोबाइल का तुमने करना क्या है, तुम्हारा काम क्या है, गलती गलती में मतलब ये निकाल देगा कि भाई मुझे किसी लड़की से बात, भाई नहीं बात तो नहीं, खैर जो भी आपने सिचुएशन बनानी, ये सिचुएशन है, क्या दो जल्दी से रेडे लाइट में आइएगा, आप छोटे बच्चे हैं इधर आइए, आप इधर आ जाइए, आप इनकी बड़ी बहन है, रेडी रेडी गो।
क्या मसला है तुम्हारे साथ? अम्मी मुझे फोन चाहिए। अम्मी नहीं, नहीं, नहीं हूँ, मैं बहन हूँ। ओके बहन, मुझे फोन चाहिए, बस दिला के दे दो आप। मैं नहीं जानता, बस मैं नहीं जानता, आप मुझे दिला के दे। तो फोन का करना क्या है तुमने? नहीं नहीं नहीं, तो अम्मी बस मुझे पहले इंटर कर लो, पहले इंटर करके कुछ बन जाओ, मैं मोबाइल भी दिलवा दूंगी। अम्मी मेरे सारे दोस्तों के पास है, आप दे देना। तो सारे कुएं में कूदेंगे, तुम भी कूदोगे उनके साथ? हां कूद जाऊंगा, आपसे तो बहुत अच्छे ही है। कुआं टूट जाएगा अगर तुम कुएं में कूद गए तो। मुझे फोन चाहिए, आईफोन लाके दो बस। आईफोन चाहिए, डिमांड है तो देखो, पढ़ तो लो पहले तुम। पढ़ते तो हो ना, तो है सिर्फ 1.5 लाख का तो है। 1.5 लाख का है? हां तुम्हारे अब्बा तो बहुत जो है कमिश्नर लगे ना, 1.5 लाख का फूल लाके देंगे तुम्हें। 5-5 लाख रुपए के ड्रेसेस अपने ऊपर खर्चा करती हो वो? मैंने ये 5 लाख का ड्रेस पहना है। भाजी मुझे बस फोन चाहिए, फोन चाहिए, आप लाके दो बस। यही बैठ जाऊंगा, यही सो जाऊंगा, रोड पे सो जाऊंगा, बेइज्जती हो जाएगी आपकी। नहीं नहीं, भाजी मुझे फोन चाहिए, बस फोन लगा दो। अरे वजह तो बताओ। नहीं 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 नहीं, बस आप मुझे फोन लगा दो, फोन लगा दो, फोन लगा दो। नहीं नहीं भाजी, आप मुझे फोन लगा दो। लेकिन क्यों तू मुझसे बात कर रही है? लड़की से बात करनी है। तुमने तूबा को प्रपोज किया था, तो मुझसे बात करोगे ना? ये ये मुझे सब पता है, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। मुझे नहीं पता होगा तो कौन सा लोग बताओगा? जो है ना वो मेरी बर्बादी है। आप अकेले की ताली आवाज आ रही है। तो तुम्हें मैं मुर्गा बनवाऊंगी, तुमसे अंडे दिलवाऊंगी, मैं मुर्गा बनवाऊंगी। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप जी, टाइम अप। अच्छा जी, डिसाइड करेंगे कि ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है ये किस टीम के साथ जाने चाहिए। ओवर टू यू गाइस, बताइए जी। पेशावर, पेशावर बेहतरीन। आइए जी, ये तो आज तो ये बेहतर पेशावर दो। इस्लामाबाद ईगल्स, इस्लामाबाद ईगल्स एक। इस्लामाबाद ईगल्स, इस्लामाबाद ईगल्स दो। रियाज पटेल, पेशावर, 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 पेशावर। और ये दो पॉइंट भी गए पेशावर ऑक्स के पास। एक दफा, हर दफा आता है कि डांस करके चला जाता है भाई। हाँ भाई, सोशल मीडिया के पॉइंट दिखाइए, कहाँ पहुंचे? 52% पे थे ये लोग, 47% पे थे। 13 और 12 हो गए, 13 इस्लामाबाद, 12 पेशावर। सोशल मीडिया दिखाइए जल्दी से जनाब। ओहो, आज भी 51% वोट मिले हैं पेशावर हॉक्स की टीम को, 48% वोट्स मिले हैं इस्लामाबाद को। तुम्हारे फैंस कहाँ थे आज? छुट्टी पे गए हैं, छुट्टी पे गए हैं। चलिए जी, अरे अरे मुंह हाथ धो के भी। ये आज का आखिरी गेम था, तो ये डिसाइड हो गया है कि आज के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जाएंगे पेशावर हॉक्स के साथ। बहुत आला गाइस, ये इस लीग में तीसरी बार हो रहा है पेशावर के साथ कि शायद ये नहीं बल्कि चौथी बार हो रहा है कि ये लोग आज गेम चेंजर खेलेंगे। 15 पॉइंट्स इनके हैं, 12 पॉइंट्स इस्लामाबाद के हैं। मैं जा रही हूं। ये आपकी किस्मत में निकलता है पेशावर। मैं जा रही हूं। अब ये आपकी किस्मत है, आप लोग यहाँ अच्छा खेलते हैं। मैं आके यहाँ पे पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। देखिए आप लोग, ये इस चीज को डिफाइन करता है कि आप लोग गेम्स अच्छा खेलते हैं तभी आप लोगों के पॉइंट्स ज्यादा होते हैं। लेकिन अब जो सबसे इम्पोर्टेंट गेम है, जो 5 पॉइंट्स का है, आपने आज वो हर कीमत पे जीतना है। आगे आपकी किस्मत, अगर आप लोग जीते तो आज भंगड़ा हो जाएगा क्योंकि तुमने शुरू में बोला था कि आज का मैच जीत के दिखाओ। तुम खेलो, तुम खेलो। ये है मतीरा ने मुझे दे दी थी अपनी टर्न में, फिर भी हार गई थी। मर्जी है आपके पास, पावर है। आई लव यू मतीरा, आई लव यू। लैला जी आपकी मर्जी है, अगर आप बोलेंगी मारिया जी को तो वो खेल लेंगी। मैं हमेशा हार जाती हूँ। मर्जी है, अगर वो जीत गई फिर खुद खेल के जीत गई। क्या किया जाए? आप लोग डिसाइड कीजिए और मुझे बताइए कि आज खेला जाए गेम चेंजर किसने खेलना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चांस होता है 5 पॉइंट जीतने का, याद रखिएगा। जल्दी से गाइस, वो कह रही है कि हम खेलेंगे, ये कह रहा है कि मैं डबल माइंडेड हूँ। आपका क्या डिसीजन? अभी टीम के साथ तो थोड़ा सा आप अपना डिसीजन बताइए ना मुझे। लैला जी आप टीम को रिप्रेजेंट कर रही हैं, सारी टेंशन आपने खुद खेल ली, ट्रांसफर कर दो ताकि हार्ट अटैक मुझे हो जाए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। आई मीन टेंशन
चले हम लोग खेलते हैं। आप लोग खेलेंगे, चलिए जी आज का खेलेंगे गेम चेंजर, जो डिसाइड करेगा कि आज का विनर कौन है। याद रहे कि बिलाल ने चैलेंज दिया था आज गेम के स्टार्ट में कि मैं अबिया को हराऊंगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी तक पिशावर हॉक्स अबिया जीत रही हैं, बिलाल हार रहे हैं, लेकिन ये आखिरी गेम डिपेंड करता है किस्मत के ऊपर। तो देखते हैं आज किस्मत किसके साथ है। याद रखिए सोशल मीडिया के दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी आज पिशावर को ही मिले हैं। लैला जी बताइए पहला ब्रीफ केस कौन सा लाऊं आपके लिए, और प्लीज प्लीज सोच समझ के खेलिएगा, आज हर दफा आखिर में जाके हार जाते हो तुम लोग। ऑल द बेस्ट गाइस, चलो शाबाश। अच्छा बताइए लैला जी, क्या कहा इब्राहिम ने माइक में, बताओ हम बाद में बताएंगे जी। अच्छा लैला जी जल्दी से, ने कहा है 5 ओके, तो इब्राहिम ने कहा है 3। ठीक है ठीक है, आप क्या कह रही हैं? मैं तो आज, क्योंकि कल मुझे अभिहा कह रही थी कि मैम नंबर 1, आपने बात नहीं मानी, बात नहीं मानी थी। ठीक है ठीक है, जल्दी से लैला जी करके देख लें, कल खेल नहीं है क्या? नहीं अगर आप अभी खेलते हैं, नहीं फुटेज देख कल खेल, नहीं अभी 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 फिर बोले ना जल्दी से लैला जी। नंबर 3 चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल पावर्स हैं सारी आपके पास, आपको तो पता होना चाहिए, आपसे ज्यादा तो ये गेम किसी ने खेला ही नहीं है भाई। क्या 3 नंबर आपसे ज्यादा ये गेम किसी ने नहीं खेला। नीचे रख दे। ये 3 नंबर चूज किया है टीम पिशावर, हम लोगों ने नंबर 2 लगाया था ना। मारिया जी आपके लिए कौन सा ब्रीफ केस? आज नंबर 3 सोच समझ के, रुकता ही नहीं जब सोच समझ के। कौन सा ब्रीफ केस पहले आपके लिए लाया जाए, उसके बाद आप भी अपना ब्रीफ केस सोच लीजिए, तुम भी सोच लो। नंबर 5 हम लोग चेंज कर सकते हैं ना? लाइए जी नंबर 5 किसी भी मोड़ पर, किसी भी मोड़ इस भी इसी मोड़ पर भी कर सकते हैं, बस इनको ब्रीफ केस दे दीजिए। हाँ ऐसा भी है कि आप नहीं भी कर सकते। हाँ कल हमने नहीं किया था। हाँ लेकिन आपने इससे पहले जब किया था तब भी हारी थी। बस नहीं है ना, आप एक्सचेंज करके भी हारी हुई है ना करके भी हारी हुई है। जल्दी से बताइए शाहताज नंबर 2 कल मैंने पूरी अपनी मर्जी की थी, आज मैं अपनी टीम भाई नंबर 2 शाहताज ने कहा है कि नंबर 2 चाहिए इन्हें, और बारी आ गई मेरे भाई बिलाल के पास। आज मैंने अपनी मर्जी नहीं करनी, आज मैं अपनी टीम के साथ जाऊंगी, कल मैंने नहीं सुना। अब यहां ने बार बार मुझे कहा मैम 1 नंबर ले 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 चेंज कर ले, आज मैं अपनी मर्जी नहीं कर रही, बस बेहतरीन हो गया। बिलाल साहब बताइए, लेकिन इब्राहिम का, इब्राहिम ने 3 बोला, जोर से बोलो ना आवाज कम है, 4 नंबर दे दीजिए। तो आवाज तुम्हारी खत्म क्यों हो गई, भी गेम हारे थोड़ी हो तुम। 4 नंबर दे दीजिए, 4 नंबर नंबर 4 लेकर आइए, नंबर 4 जाएगा बिलाल के साथ। चलिए जी, और ये 1 नंबर आज इसमें कल पैसे निकले थे मेरे पास रह गया, किसी ने चूज नहीं किया तो ये मेरा ही हो गया। ये नहीं, मैं जल्दी से पूछूंगा लैला जी, आपके पास आज सारी पावर्स हैं। मेरे पास कब हम नहीं आपके होती, हमेशा पावर्स मेरे पास होती है और मैं हार जाती हूं। पावर आपके पास होती है लेकिन किस्मत आपके पास नहीं होती, किस्मत हमेशा सामने वाली टीम के पास होती है, लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है आज किस्मत भी आपके साथ हो। जल्दी से मुझे बताइए पहला ब्रीफ केस कौन सा आपका, आपसे स्टार्ट लेंगे। पक्का पक्का, अब नहीं पूछूंगा। ओके लाओ भाई जल्दी से 1 नंबर ले आओ, ले आओ बस 1 नंबर, अब ले आओ 1 नंबर, ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, अब हो गया बस, अब टाइम खत्म हो गया तो हो गया, लेकिन 1 नंबर मंगा लिया उन्होंने। अच्छा जी आपने सबसे पहले ही मंगा लिया है ब्रीफ केस नंबर 1, जिसमें कल भी मेरा मतलब कल सबसे बड़ा अमाउंट निकला था, सबसे बड़ा अमाउंट निकला था, और आज सबसे पहले इन्होंने वही ब्रीफ केस मंगवा लिया है। लैला जी आखिरी बार आपसे पूछूंगा, ये ब्रीफ केस ओपन कर दूं? हाँ कल तो नंबर दानिश आपके एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं ना, कैसे अच्छे या बुरे, डर जाता है कि गलत फैसला करने की बात ही नहीं है। देखिए मैं सच बता रहा हूँ बाखुदा, इन 5ों ब्रीफ केसेस में क्या है मुझे नहीं पता, ये सिर्फ हमारा प्रोड्यूसर जानता है इस वक्त और अल्लाह ताला जानता है। ये बताइए कि जो नंबर 1 है जो आप पहले खुलवा रही हैं, इसको खुलवाने की कोई खास वजह, यही वजह तो नहीं है कि कल इसमें पैसे निकले तो आज नहीं सकते? यही वजह है, क्यों आज नहीं हो सकते? सच सच मेरे दिल में यही बात है, क्यों आज नहीं हो सकते? अभी इसमें अगर कल हो सकते हैं तो
कि आज नहीं हो सकते, हो सकता है इन लोगों ने कल से चेंज ही ना किया हो ब्रीफकेस फिर। आज नंबर वन अच्छा नहीं लग रहा। पक्का जी? चलो मैं दिखाता हूँ कितना अच्छा है नंबर वन। रेडी है? लैला जी ने सबसे पहला ब्रीफकेस ही खुलवा लिया नंबर वन, और मैंने आपसे पूछा था पहले, लैला जी मैंने आपसे पूछा था कि ये एक नंबर ब्रीफकेस मंगवाने की कहीं ये वजह तो नहीं है कि कल इसमें सबसे बड़ा अमाउंट निकला था? आपने कहा हाँ। मैंने कहा हो सकता है इन लोगों ने आज चेंज ही ना किया हो, तो कभी कभी मुंह से निकली बात सच हो जाती है। एक नंबर ब्रीफकेस में, मारे जी रेडी हैं आप? एक नंबर ब्रीफकेस में कोई छोटा इनाम नहीं निकला है, पूरे 7 लाख रुपए निकल गए। हटाइए जी, बचत हो गई। एक नंबर ब्रीफकेस मैदान से बाहर, बच गए 4 ब्रीफकेस टोटल, जिसमें से एक आपके पास है, 3 आपकी ऑपोजिट टीम के पास हैं। बताइए नेक्स्ट ब्रीफकेस कौन सा ओपन करूं? नंबर 4। मैं भी नंबर 4 बोलने लगी थी, आई स्वेयर। टच वुड, देख रहे हैं क्या कोऑर्डिनेशन चल रही है। मैं बिल्कुल, अभी हाँ ने तो किसी और वजह से बोला, कहने लगी थी अभी हाँ ने तो इस वजह से बोला कि फिलहाल के पास है, इसका ब्रीफकेस बाहर करो। नहीं लेकिन मेरे भी, मैं भी 4 ही बोलने लगी थी समाव। अगर 4 में नंबर, अगर 4 में 10 लाख रुपए निकल गया तो गेम ये खत्म हो जाएगा। ऐसे ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, पता नहीं है या नहीं, ऐसे ही यू नो जहन में आया तो मैंने कहा आपसे छेड़ दूँ ये बात भी कि 10 लाख रुपए अगर निकल गए तो गेम यही खत्म हो जाएगा। कैसे हो बिलाल? 4 नंबर तुमने मंगाया क्यों? 4 लकी नंबर चल रहा है तो मैंने क्या? किसका लकी नंबर चल रहा है? 4 वैसे है तो किसी का नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ तो चल कर रहा है, ट्रेंडिंग पे चल रहा है ये 4 नंबर, यूट्यूब ट्रेंडिंग पे 4 नंबर लकी चल रहा है आजकल, है चैंपियन? नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं है, बस वो 4 नंबर पोटली में थे तो मैंने उस हिसाब से। अच्छा नाइस, इसके पीछे एक साइंस है, इसके 4 नंबर मंगवाने के पीछे। आप लोगों की बात में कोई साइंस है या नहीं? मंगवा लूं 4 नंबर? मेरे मुंह से भी 4 निकलो, इसके मुंह से। कितना प्यार चल रहा है दोनों बहनों के। कल इसने मुझे बार बार बोला है नंबर एक, नंबर एक। भाई ये 4 नंबर तूबा का लकी नंबर तो नहीं है गई? नहीं नहीं, क्या हो गया यार, तो हर बार यार मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, क्या पूछा मैंने, तुम क्यों बीच में कूद पड़े? मैंने अभिया से पूछा, अभिया की फ्रेंड है तूबा, कहीं 4 नंबर तूबा का लकी नंबर तो नहीं? नहीं नहीं, तूबा का लकी नंबर नहीं है। ऐसा तो नहीं है कहीं उसके फोन नंबर में 4 नंबर कई दफा तो नहीं आता? अच्छी बात है, ऐसा भी नहीं है घर में जा रहती है उसमें 4 नंबर तो नहीं आता? नहीं। अरे अच्छा, ये तूबा में 4 लेटर्स है ना, इसलिए तो नहीं? एग्जैक्टली। ओके, ये हमने नहीं साइंस, हम तो तुम्हारे कोड को डीकोड कर रहे हैं कि तुमने 4 नंबर क्यों मंगाया है। 4 नंबर पे कोई और साइंस है वो मैं बोल चुका हूं। लैला जी आपका टाइम जा रहा है, 4 नंबर ले आओ, ले आओ 4 नंबर। हाँ हाँ, पक्का पक्का लाओ भाई, 4 नंबर लेकर आओ। लैला जी ने 4 नंबर मंगवाया है, 4 नंबर ओ खुद लेकर आया, इतना प्यार है इसको, बहुत मोहब्बत है। किससे? हम सबसे, सब है सबसे, हमारी टीम से बहुत मोहब्बत है। बड़ी मोहब्बत चल रही है बिलाल की आजकल, मोहब्बत शोबत नहीं है, ट्रेंडिंग पे जा रही है। अपनी तरफ से पूछ लैला जी, अपनी तरफ से पूछते हैं, बोलो बस आप। ओपन कर दूं? चलिए, मैंने आपसे पूछा, ये भी कहा कि आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आपने कहा हाँ खोल दो, अब खोल दिया और निकल गए, वैसे तो निकल गए भाई। 4 नंबर बिलाल के लिए बहुत लकी था, और इस पर एक नहीं बल्कि 2 लोगों की नजर थी, कैप्टन की भी, चलो अभिया की तो ऑब्वियसली होगी, लेकिन कैप्टन की थी, इस बात पे बड़ा हैरान हुआ हूँ मैं। इसीलिए जल्दी से खोल के बताता हूँ कि आज भी ये गेम यहीं पर खत्म नहीं हुआ। 3 लाख ओहो बिलाल, 4 नंबर में 3 लाख रुपए निकला है, हटाइए जी। 4 नंबर TUB है, ओ मेरा मतलब 4 नंबर को, यार क्या हंस रहे हो बिलाल तुम यार। एक तो हर बात में उनका जिक्र, उन कौन है ये उन? भाई वही ना जो मैं बार बार नाम नहीं लेना चाहता। अब बिलाल का नाम क्यूट नहीं है, बिलाल का नाम है उनका, उनका साहब, उनका 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 साहब आए हमारे साथ खेलने जी। बताइए नंबर 2। हाँ भाई इब्राहिम, नंबर 2 जी। वो तो कह रहा है जो आप लोग बोले वही होगा, मुझे क्या पता क्या है नंबर 2 में। लैला जी आप बताइए। नंबर 2 लाओ भाई, नंबर 2 लेकर आओ जल्दी से। लैला जी ने कह दिया सारी पावर्स इनके पास है,
मारिया जी बड़ी खामोश बैठी हैं इस गेम में। पावर्स हमेशा मेरे पास होती है, ये वाइड गेम है। हमेशा लैला जी के पास पावर्स होती है और हमेशा लैला जी हार। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाइड गेम है, मारिया जी बिल्कुल खामोशी से बैठी होती है, एक लफ्ज नहीं कहती क्योंकि टेंशन इतनी ज्यादा होती है दोनों टीम्स में। मुझे लगता है इनकी टेंशन भी मारिया जी लेके बैठ जाती है। पिछली गेम जब मैं जीती थी दो दफा मैंने टू एक्सचेंजेस एंड आई वाज गोइंग मैड। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही था। आज आपके पास भी एक्सचेंज करने का मौका तो है लेकिन करने की कोई जरूरत मर्जी है उनकी, मुझे क्या पता, मुझे क्या पता, उनकी मर्जी है। उन्होंने अभी मंगवाया दो नंबर का ब्रीफकेस, मेरा काम यह है कि मैं ये दो नंबर का ब्रीफकेस खोल दूं। खोल दूं जी। सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि ये दो नंबर आप ना खुलवाएं। पिछली बार हमने सोशल मीडिया की बात मानी थी और एक दफा नहीं मार गए थे, एक दफा मानी थी और एक दफा नहीं मानी थी, दोनों बार हार गए थे। अभी हम लोग चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, जब तक मैंने ओपन नहीं किया आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। नंबर टू को नंबर फाइव के साथ पहले फाइव खोल दूं? है सोशल माइक में, माइक में बोलो। मैम आपकी मर्जी, आपको जो खुलवाना आप खुलवाएं। नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलो, कल निकल में तुम्हारा कहना नहीं माना था। नहीं मुझे फाइव बहुत अच्छा लग रहा है, नंबर टू। ओके ठीक है, हम लोग नंबर टू ओपन करवाएंगे। फाइव बहुत अच्छा लग रहा है भाई, नंबर टू ओपन करा रहे हैं आप। नंबर टू में अगर बड़ा इनाम निकल गया तो ये गेम इस्लामाबाद ईगल्स जीत जाएंगे और आज के दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी चले जाएंगे आप लोगों के पास से। आप लोग बहुत अच्छा खेलते हो, किस्मत साथ नहीं दे रही है, लेकिन आप बोलोगे दो नंबर तो मैं तो खोल दूंगा दो नंबर, बताइए। सही है जी, पक्का पक्का लैला जी। आइए जी दो नंबर ओपन करके बताता हूँ कि इसमें क्या है। सर आप हमें एंग्जायटी डिप्रेशन से मार दें। मुझे यकीन नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है आप लोगों के साथ। इसका मतलब है कि मुझे भी नहीं आता। ये टीम बहुत अच्छा खेलती है और इस बात का सबूत यह है कि इसने सबसे ज्यादा गेम चेंजर्स खेले हैं, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती है। इन बिचारों के साथ हर बार यही हुआ, ये गेम चेंजर तक पहुंचती है लेकिन यहां आकर हार जाती है। इस दो नंबर को ओपन करने से पहले मैंने कई बार आप लोगों से पूछा कि मैं इसे चेंज कर दूं, एक जगह आप लोगों ने खुद बोला कि शायद हम इसको एक्सचेंज कर लें नंबर पांच से, तो पिशावर वालों क्यों एक्सचेंज नहीं कराया आपने दो नंबर में? 1,00,000 रुपए है यार, घबरा क्यों रहे हो? घबरा क्यों रहे भाई, 1,00,000 रुपए है। चलो भाई 1,00,000 रुपए भी आउट करो। कहानी आ गई है दो ब्रीफ केसेस के दरमियान, एक मारिया जी की कस्टडी में है, एक पिशावर हॉक्स के पास है लैला जी की कस्टडी में। अब आपके पास ऑडियंस पोल है जो ये कह रहा है कि क्या? आप ये एक्सचेंज कर लें, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा अपने बिहाफ पे खेलें, जो आपको सही लगे आज वो कीजिएगा। ठीक है ये बोल रही है पांच। तीन दफा हार गए हो तुम लोग गेम चेंजर में हार। सोशल मीडिया क्या बोल रहा है? सोशल मीडिया क्या बोल रहा है? सोशल मीडिया कह रहा है कि आप लोग एक्सचेंज कर लें, लेकिन लास्ट हम लोग हार गए थे, एक्सचेंज करने पे हार गए थे। लेकिन ये हर बार थोड़ी होता है, आपकी मर्जी है भाई, ये आपका दिल है, आपका दिमाग है और आपकी किस्मत है लैला जी। लो अब सोशल मीडिया कह रहा है इस पांच नंबर में 10,00,000 रुपए हैं। उनको कैसे पता? तुक्का मारते सब, मैं भी तुक्का मार सकता हूँ, आप भी तुक्का मार सकते हैं। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि 10,00,000 रुपए ब्रीफ केस नंबर 6 में है। 6? 6 किधर है? ये देखो ना मजाक कर रहे हैं आप। भाई मुझे क्या पता किसमें है, आप लोगों की किस्मत है, आप लोगों ने खेलना है। सबसे बड़ा इनाम पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इनाम आप लोगों ने जीतना है, उस वक्त थोड़ी मुझे याद करेंगे। हाँ दानिश तुम भी ले लो, ये लो 25,00,000 तुम्हारे, ऐसा तो नहीं होगा ना, खुद घर लेके जाएंगे ये लोग। बताओ भाई बताइए जल्दी से। कह रही है कि नंबर पांच, इब्राहिम कह रहा है नंबर तीन। आप क्या कह रही हैं? मैंने कल कहना नहीं माना था अपनी टीम का, आज मानेंगी? कल मतीरा ने मुझे इतना बड़ा चांस दिया, आज मानेंगी या नहीं ये बताइए आप। काम की बात कर रहे हैं मुझसे? काम की बात ही कर रही हूँ मैं। बहुत मजा आने वाला है, ये टीम आज चौथी बार गेम चेंजर खेल रही है, एक बार जीती है
दो बार हारी है, आज देखना है कि इनके साथ क्या होगा। आइए जी, मारिया जी भी चुप बैठी है, शाताज पीट करके बैठ गई है हमारी तरफ, उनको देखने नहीं है इस गेम में क्या हो रहा है। बिलाल जो शुरू में आगे कह रहे थे आज बताता हूं मैं तुम्हें कि मैं कितना बड़ा चैंपियन हूं, बिल्कुल खामोश बैठे हैं नंबर चार। ये देखो इनका जरा क्लोज बनाओ, ये देखो शर्मा गए, इतनी परेशानी चल रही है। आखिरी 30 सेकंड है आपके पास। बात है बड़ी लकी चल रही थी तो मैंने कहा 5 नंबर तो मैंने हाँ जी बताइए लाला जी, आखिरी 30 सेकंड आपके पास, इसमें क्या है? जल्दी से जल्दी से जल्दी से, बस इसी गेम में आके मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूं। अब आपके समझने का टाइम आ गया लाला जी, दो ब्रीफ केसेस बचे हैं, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, जल्दी बताइए। जल्दी से लाला जी, 3 नंबर या 5 नंबर या 5 नंबर या 3 नंबर? नहीं नहीं बताओ ना, बोलो लाला जी, टाइम खत्म हो गया, प्लीज टाइम चाहिए, अदरवाइज आपको जो समझ में आए वो करें, जल्दी से बताइए। 3-5 या 5-3 जल्दी से बताइए लाला जी, आपने एक्सचेंज करना है? आपने बोला 6 भी, 6 कहाँ है यहाँ पे, आप ही ने बोला था। हाँ तो तभी तो कि मुझे नहीं पता किसमें थी, मैंने बोला 6 में, 6 का हाफ करेंगे तो 3 बचेगा, 3 में कर ले फिर। हाँ हाँ क्या कह रही, 6 का हाफ करेंगे 3 बन जाएगा। ओ ये तो सोचा ही नहीं, तो मैंने भी नहीं सोचा, क्या 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 कि 6 का हाफ करेंगे तो 3 बन जाएगा, लेकिन ये हाफ करेंगे क्यों, क्यों किसने का करने को हाफ, हाफ करने को किसने कहा तुम्हें? टाइम ने जब माइनस करवा दी तो यहाँ भी माइनस कर लो। ये तुम्हारी अपनी लॉजिक है भाई, तुम अपने हिसाब से खेलो। अभी मुझे बताइए लाला जी, टाइम खत्म हो गया, वो ये खत्म करके चले जाएंगे और आप और मैं खेल रहे होंगे, कोई नहीं देख रहा होगा, जल्दी बताइए, जल्दी से आगे बताओ। लाला जी आप बताइए, टाइम अप हो गया, प्लीज 3 या 5? मैं बैठ जाता हूँ, आप बाल बाल ठीक कर ले, बाल बाल ठीक कर ले आप। नंबर 5 को ओपन कर दूं? जी नंबर 5 ओपन कर दूं? ला भाई नहीं, नंबर 5 ओपन करते हैं आज, मैंने नहीं देखा ना केस। अरे ये तो लैला जी का पावर है, लैला जी ने आखिरी ब्रीफ केस ओपन करवाया है नंबर 5। आज अगर इसमें 10 लाख रुपए निकल आए फिर से, आज अगर मैं हारी तो ये मेरी फैमिली ने मुझसे बात नहीं करनी, और 10 लाख रुपए अगर इसमें नहीं निकले तो इसका मतलब है कि 10 लाख रुपए उस 3 नंबर ब्रीफ केस में मौजूद हैं। मैं जल्दी से बताता हूँ आपको, टाइम अप हो चुका है लाला जी, आखिरी बार ब्रीफ केस ओपन कर दूँ? अब क्या आखिरी बार, मुझे नहीं पता, पता नहीं उन्होंने बोला है, बोल खोल दूँ? अभी भी चेंज कर सकते हैं, अब तो आ गया उसके है ऑप्शन आपके पास। नहीं नहीं मैंने खोल के नहीं देगा, नहीं अभी ओपन, आपकी मर्जी, चेंज कर दूंगा। नहीं अब तो इधर, have you seen it? No no not yet. नहीं बट यहाँ पे आपकी मर्जी, जल्दी बताइए मुझे, आप बोलेंगे फाइनल में खोल दूंगा, आप बोलेंगे एक्सचेंज में कर लूंगा, जल्दी बताइए, इसको ना देखे नजर नहीं आने वाला, यहाँ पे आ गया, टाइम अप हो गया लाला जी, चेंज करेंगे? मैं एक चांस दे रहा हूँ कि आपको चाहिए या नहीं, चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, करना है या नहीं करें? टाइम खत्म हो गया लाला जी, जल्दी से टाइम खत्म हो गया लाला जी, प्लीज प्लीज मैं फाइनल कॉल का वेट कर रहा हूँ आपकी, चांस दे रहे हैं लाला जी, फाइनल कॉल आपकी क्या है? ओके खोल दे, मारिया भी नहीं सारी, चलिए जी मारिया भी नहीं सारी, मारिया नहीं आपके पास पावर है, इन्होंने बोला 5 नंबर और मुझे क्या पता उसमें क्या है। आई एम ब्लोन अवे, समझ नहीं आ रहा मैं इन लोगों को क्या कहूं, ये 5 नंबर ब्रीफ केस मैंने आखिरी वक्त तक पूछा लैला जी से कि आपके पास पावर्स हैं आप एक्सचेंज करा सकते हैं, इन्होंने नहीं किया आज भी, और आज भी बहुत बड़ी गलती से बच गई है नंबर ब्रीफ केस में, बहुत आला बिचार, यस और आज के जीते बिचार 10 लाख रुपए जाते पिशावर हॉक्स ने, इस तरह इस लीग के 2 पॉइंट भी जीते हैं। कल इसी वक्त मिलेंगे, मिलके बोलेंगे मेरे साथ गेम शो ऐसे चलेगा।